वेलकम टू खुदा बख्श लाइब्रेरी. वी आर फॉर्चुनेट टू हैव विद अस अ लर्नेड स्कॉलर फ्रॉम यूएसए, डॉक्टर संदर्शी, द इलस्ट्रियस सन ऑफ इलस्ट्रियस फादर. जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, डॉक्टर श्रीनिवास द फेमस पर्सनालिटी, ये उन्हीं के बेटे हैं. सब वेलकम करें. खुदाबख्श लाइब्रेरी का ये काम भी रहा है कि अपने बड़ों को याद करती रही है, उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन हासिल करके ये रोशनी सब तक पहुंचाना हमारा काम है. कभी एग्जीबिशंस के जरिए, कभी लेक्चर्स के जरिए, ये लाजिम हो जाता है कि हम किताबें पढ़ने से पहले ऐसी शख्सियात, ऐसी पर्सनालिटीज के बारे में, उन लोगों से सुने उनके बारे में जो उनके बहुत नज़दीक रहे हैं, उनके बहुत करीब रहे हैं. ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो आज आपको डॉक्टर श्रीनिवास साहब के बारे में लेक्चर सुनने के लिए मिलेगा. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर संदर्शी की कि उन्होंने अपने प्रेशियस वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला खुदाबख्श लाइब्रेरी के लिए. एंड नाउ ही विल बी स्पीकिंग अबाउट द लाइफ ऑफ डॉक्टर श्रीनिवास. आप जैसा कि जानते हैं, ये वो शख्सियत रही हैं डॉक्टर श्रीनिवास की कि जिन्होंने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, डॉक्टर समदर्शी बताएंगे. मैं एक शेर बहुत पढ़ती हूँ, जिनसे मिलकर जिंदगी से प्यार हो जाए वो लोग, आपने देखे नहीं होंगे मगर होते तो हैं. आप भी समझ सकते हैं ये किन के लिए है. और इस शेर के बाद समझिए जो तस्वीरें सामने आती हैं उनमें डॉक्टर श्रीनिवास की बड़ी रोशन पर्सनालिटी सामने आ जाती है. खुदाबख्श लाइब्रेरी से उनके बड़े गहरे और बड़े करीबी ताल्लुक और वास्ते रहे हैं. उनका लाइब्रेरी में बराबर आना जाना लगा रहता था. शायद ही कोई ऐसा मौका होता हो, सेमिनार्स हों, लेक्चर्स हों, डिस्कशंस हों, जो वो शामिल नहीं रहते होंगे. खुदाबख्श से तो वास्ता था ही, वो तो उस ट्राइब के थे जो दुनिया के सारे अच्छे लोगों की ट्राइब होती है, सारे अच्छे लोगों की. और अब आप जो भी माने, दूसरे जन्म को माने या ना माने, कयामत को माने या ना माने, मगर मेरा मानना तो ये है कि मक्खी मच्छर की बात जाने दीजिए, बाकी रहती दुनिया तक कोई खुदाबख्श होगा तो कोई डॉक्टर श्रीनिवास. समझ रहे हैं आप मेरी बात? उन लोगों की सोच या रूहें हमेशा बाकी रहती हैं, हमेशा बाकी रहेंगी. वो जो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जो अपनी शख्सियत बनाते जाते हैं, जो लोग अपनी शख्सियत बना जाते हैं वो कभी मरते नहीं. अपनी सोच में, अपनी फिक्र में और जो कुछ वो दुनिया को कॉन्ट्रीब्यूट कर गए हैं वो उसमें जिंदा रहते हैं, हमेशा जिंदा रहते हैं, कभी नहीं मरते. बस मुझे वही बात कहना है कि ये लोग जैसे डॉक्टर श्रीनिवास हुए, आंखों से तो ओझल हो जाते हैं मगर दिलों पर राज करते हैं. ऐसे ही थे हमारे डॉक्टर श्रीनिवास. और हमारे खुशकिस्मती है, वी आर लकी टुडे, कि आज उनके बेटे को हम अपने बीच पाकर फूले नहीं समा रहे. बहुत खुशी है इस बात की और उनका वेलकम करते हैं, हम सब उनका वेलकम करते हैं. मोस्ट वेलकम सर. उनकी लाइफ के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे. मुख्तसर, इन ब्रीफ आई टेल यू, डॉक्टर श्रीनिवास भारत के कार्डियोलॉजिस्ट थे जो 1947 में ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गए. उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कार्डियोलॉजी कहा जाता है. और वहाँ उनको ट्रेनिंग मिली और वहाँ से ट्रेनिंग पाने वाले वो इकलौते हिंदुस्तानी डॉक्टर हैं. ट्रेनिंग के बाद 1950 में वो हिंदुस्तान लौटे और पटना मेडिकल कॉलेज में दिल के मरीजों के डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया गया. इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के फाउंडर डायरेक्टर रहे वो.
और उनके सम्मान में 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाक विभाग ने पोस्टल एनवलप भी जारी किया। डॉक्टर श्रीनिवास पहली बार हिंदुस्तान में मॉडर्न ईसीजी मशीनें लेकर आए। एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदी और नेचुरोपैथी को मिलाकर 1977 में पॉलीपैथी की शुरुआत की। मालिक ने उन्हें 8 नवंबर 2010 में अपने पास बुला लिया। अब वो उसके पास भी हैं और हमारे दिलों में भी बसते हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर श्रीनिवास पर बोलने के लिए उनके बेटे डॉक्टर तांडव समदर्शी को। प्लीज कम सर। यहाँ तो आए, समय आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तो सहस्ता जी से बात हुई और ये हुआ कि डॉक्टर श्रीनिवास साहब के बारे में बहुत सी बातें जो पब्लिकली मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं है या है भी, तो उसको एक मुफ्त करके यहाँ बात की जाए उसके ऊपर, तो उसी के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए। और सवाल ये उठता है कि हम लोग तो हमेशा लगता है कि जो आदमी नहीं रहते हैं जिनका डेथ हो जाता है कहाँ जाते हैं, हम लोगों को कोई उसका ध्यान ही नहीं है, मालूम है किसी को। और धर्म में अपना एक एक्सप्लेनेशन है कि कहाँ बोले जाते हैं। इस किताब में कुछ लाइन है जो कि हम पढ़ देते हैं, जो कि किसी और का कहा है कि सुनसान पड़ी थी जो राहें वहाँ शमा जला कर चले गए, तुम ख्वाब दिखाने आए थे और ख्वाब दिखाकर चले गए। ये रास्ते में तुम जाते थे बस हंसते और हंसाते थे, पर दुनिया में जाते जाते तुम सबको रुला कर चले गए। हमें तुमसे यही शिकायत है, यह कैसी रस्मों रुक सकती, कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं, बस हाथ छुड़ा कर चले गए। तो काफ़ी नामी अकम्पलिश हर फेज में, मैंने एज अ फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट तो थे ही, जो लोग उनके संपर्क में आए थे वो जानते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग और एक इंसान के रूप में भी वो काफ़ी सब लोगों से मिले हुए थे। सीनियर बिला साहब से उनकी मुलाकात हुई जिस दिन हम लास्ट टाइम आए थे, तो उन्होंने तो एक माँ जैसे हम लोगों को फीलिंग था कि भाई हमारे पिता हैं, हम उनके लड़का हैं, इस फीलिंग के बियॉन्ड हम लोग कभी नहीं जा पाए। लेकिन जब उन पर किताबें छपी और दूसरे लोगों ने उनके बारे में लिखा जो कि जिसके बारे में हमको भी एहसास नहीं था, और जब उन किताबों का प्रूफ रीडिंग हम करने लगे तो हालत ये थी कि एक डेढ़ पढ़ने से आगे पढ़ ही नहीं पाते थे क्योंकि आँख डबड़बा जाती थी। कारण था कि उनके जीवन का बहुत सा फैसेट्स हम लोग नहीं जानते थे परिवार में रह करके, जो संपर्क उनको बाहर के लोगों से हुआ था, उनका जो एक्सपीरियंस था उनके द्वारा, वो सारी बातें बहुत बाद में निकल करके आई। तो फरिश्ता वाला एहसास तो हम लोग को नहीं हुआ, कहा कि हम लोग तो हमेशा एक पिता के रूप में, परिवार के रूप में देखते रहे। जब बाकी बातें हम लोग ने जाना और सीनियर मेदार साहब ने जैसा कहा है, तब वो बातें उभर के आती हैं और तब एहसास होता है। उसका सवाल उठता है कि हम लोग उनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। हमको लगता है कि जॉन एफ कैनेडी का एक कहा हुआ है कि वी सेलिब्रेट द पास्ट टू अवेकन द फ्यूचर, पुराने बातों को, पुराने लोगों को हम लोग याद करते हैं अपने आगे के ज़िंदगी को समृद्ध करने के लिए। तो उसी के इसमें हम लोग बात शुरू करते हैं। आप कहिएगा कि आज आप लोग को हम काफ़ी अतीत में ले चलना चाहते हैं, क्योंकि उनका जन्म 1919 में 30 दिसंबर को हुआ था। तो आप कहिए कि उतनी अतीत की बात क्यों आप कर रहे हैं, क्योंकि जो नौजवान लोग यहाँ हैं वो लोग कहेंगे कि भाई अब तो 100 साल से ऊपर की का समय है उस जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि उन्हीं चर्चों से हम लोग उनको जिंदा रख सकते हैं अपने बीच में। तो उनका जन्म जैसा हमने कहा कि 1919 में हुआ था, समस्तीपुर जो कि पहले दर्सिंग साहब जो कि पहले समस्तीपुर का पार्ट होता था, दरभंगा जिला का होता था, अब समस्तीपुर का है, वहीं गढ़ सीसा एक गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ था।
प्रारंभिक उनकी जो शिक्षा थी वो गांव के लेवल पर ही उसी स्कूल में हुई, और देखा जाए कि उसके बाद वहीं समस्तीपुर के ही एक हाई स्कूल में उन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की। उसके बाद पटना मेडिकल कॉलेज आके उन्होंने अपना मेडिकल किया, और पटना मेडिकल कॉलेज से उस समय में 24 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की, जो कि इवन आज के पैरामीटर से वो काफ़ी अर्ली कहा जाएगा, उससे ज़्यादा समय लोगों को लगता है। और देखिए कि ख़त्म होने के बाद 1947 में अगस्त में उन लोगों को जब इंडिपेंडेंस मिला तो अक्टूबर में वो कैसे चयन हुआ उसके बारे में उनको बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन उनका चयन हुआ विद स्कॉलरशिप हार्वर्ड जाने के लिए अमेरिका। और स्कॉलरशिप पर, जबकि हार्वर्ड में आज भी बहुत स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं आज भी, लेकिन उस समय में इमेजिन कीजिए कि उनको स्कॉलरशिप पर हार्वर्ड बुलाया गया, गए वहाँ, और उन्होंने उस समय कार्डियोलॉजी का प्रशिक्षण वहीं से पाया जो ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग करने के बाद उनके पास दो विकल्प थे, जैसे कि बहुत से लोग अमेरिका में रह जाते हैं, जिसमें मेरा भी नाम शायद आप जोड़ ले सकते हैं, कि वहाँ गए वहीं रह गए वहीं के हो गए, वो तो नहीं है, मैंने वहाँ काम करते रहे। तो उनके समय आप सोचिए कि उस समय में उनको दो विकल्प था कि या तो ट्रेनिंग सारा लेने के बाद वो अमेरिका में रह जाते और पैसे के टर्म्स में बहुत कमाते, और दूसरा था कि नहीं, जो ट्रेनिंग उन्होंने ली है उसको लेकर के वो भारत लौट आए और भारत में आ करके यहाँ की जो जनता है और यहाँ जो उनके लोग हैं उन लोगों के बीच में उस बीमारी का जो भी निदान हो सकता है उसको अपने नॉलेज से कर सकें। तो हुआ ऐसा ही कि उन्होंने दूसरा विकल्प चुना कि नहीं, भारत लौटेंगे। और आपको बताते हैं कि भारत जब वो लौट के आए 1950 में, तो वो पहले कार्डियोलॉजिस्ट हुए इंडिया के, उनके पहले कार्डियोलॉजी स्पेशलिटी इंडिया में नहीं होता था। और जो नामी लोगों का हम लोग नाम सुनते हैं, डॉक्टर विधान चंद्रा, ये लोग अपने समय के काफ़ी नामी डॉक्टर्स थे बंगाल में, वो लोग जनरल फिजिशियंस थे। हार्ट डिजीज का था कि ब्लड प्रेशर ये सब का इलाज उस समय भी दवा वो सब की थी, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट बाई ट्रेनिंग या कार्डियोलॉजिस्ट बाय नॉमिनेचर ये पहले आदमी थे जो इंडिया है। और उसके पहले जो यहाँ ईसीजी मशीन होता था वो इस तरह का था कि मैंने कार्डियोग्राम जो होता था उसमें ऐसा था कि दो पांव को दो बाल्टी में रखिए, बड़ी बड़ी तारें लगती थी, उसके बाद ईसीजी होता था, वो ईसीजी के बाद वो जो आजकल का एक्सरे है उस तरह का एक्सरे का प्रिंट निकलता था, उसको डेवलप किया जाता था, तब आप ईसीजी पढ़ पाते हो। तो आजकल जो आप देखते हैं कि स्टाइलस मूव करता है, कागज निकलता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं डायरेक्ट राइटर ईसीजी मशीन, वो पहला भारत में उन्होंने ही लाया जी। तो वो जब आया तो उसी मशीन से अपने पेशेंट्स का तो इलाज होता ही था। बड़े बड़े नाम जो उस समय के हैं, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, दलाई लामा के गुरु भी किसी ने हमको कहा कि वो भी उनके ही थे। जबकि महेंद्र को हार्ट अटैक हुआ नेपाल में, तो भारत सरकार इनको ही भेजती थी ट्रेन से हमेशा उनको उनके चेकअप करने के लिए। तो इस तरह के नाम काफ़ी हैं, आप किसी भी चीफ मिनिस्टर का नाम यहाँ ले लीजिए, गवर्नर का नाम ले लीजिए बिहार में, या आप पॉलिटिकल एरिना में सीनियर लोग जो उस समय में जिन लोगों का नाम था उसमें से काफ़ी लोग उनके पेशेंट्स थे। पत्रकार, साहित्यकार ये लोग जो थे वो लोग भी उनके काफ़ी करीब थे, और जिसका भी नाम आप उसमें ले सकते हैं उसमें से आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो पटना से किसी कारण से आके गए और उनको सरकारी उपचार की ज़रूरत हुई तो वो हमेशा साहब के पास आते थे। तो यहाँ से MBBS करने के बाद, जैसा आपने कहा, हमने कहा कि हार्वर्ड गए, हार्वर्ड से लौट कर गया है और यहाँ फर्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में। अब यहाँ भी आने के बाद उनके पास विकल्प था कि दिल्ली या ऐसे शहरों में रह करके अपना बाकी ज़िंदगी गुजारते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिहार में आ करके जिस धरती से हमारी जन्म हुई है वहाँ से जाएंगे। यहाँ आए और यहाँ एक रूम से, हथवा वार्ड के बगल में एक रूम था उनको दिया गया, वहीं से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ। और उस समय जो मरीज हुआ करते थे वो हार्ट पेशेंट होने के बावजूद
वो लोग डिफरेंट वार्ड्स में रखे जाते थे, दो आदमी हथुआ वार्ड में है, एक आदमी राजन सर्जिकल ब्लॉक में, इससे अलग अलग छिटाए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक तो है कि अलग अलग वार्ड में अगर पेशेंट नर्सेज और जो भी टेक्नीशियन सब लोगों को उसको ट्रेनिंग दी जाए तो शायद वो एक सही रास्ता होगा, नहीं कि इस तरह फैला हुआ। तो आप लोगों का हंसी भी आएगी, किस्सा इस तरह का है कि अभी जिस जगह पर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है वहाँ पर इन्फेक्शन, वो बिल्डिंग पुरानी थी, बहुत पुरानी, उसमें इन्फेक्शस डिजीज़ गवर्नमेंट लाना चाहती थी, इन्फेक्शस डिजीज़ का हॉस्पिटल। तो पिताजी को मालूम हुआ कि भाई वहाँ इन्फेक्शस डिजीज़ के लोग लाए जाएंगे। उसमें दो समस्या थी, एक तो था कि कैंपस के अंदर में इन्फेक्शस डिजीज़ का हॉस्पिटल होना नहीं चाहिए, वो थोड़ी दूरी पर होनी चाहिए पहली बार। दूसरी बात उन्होंने देखा कि खाली बिल्डिंग पड़ी हुई है। एक रात उन्होंने क्या किया कि 10-12 पेशेंट इधर उधर थे सबको ला के उसमें रात में रख दिया, और कल हो के हंगामा हो गया PMCH में कि साहब ये तो बात गई सेक्रेटेरिएट। उस समय कर्नल नाथ थे जो कि नेचुरली आर्मी से रिक्रूटेड थे और काफ़ी दबंग ऑफिसर थे, वो डायरेक्टर हुआ करते थे हेल्थ सर्विसेज के। उन्होंने बात गई तो उन्होंने यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट को कहा कि भाई ये कौन नौजवान डॉक्टर आया है, इसको भेजो मेरे पास। तो सुप्रिंटेंडेंट साहब ने कहा कि बुला के डॉक्टर को कि जाइए, आपको कर्नल नाथ ने बुलाया है, जो कि अपने बुलाया है का मतलब है कि अपने आप में एक डर पैदा करता था उस समय। तो पिताजी उनके चेंबर में गए थोड़ा डरते हुए भी, जैसा कि उन्होंने हमको बोला था। तो जाने के बाद कर्नल नाथ ने उनको कहा कि डॉक्टर श्रीनिवास, तो आपने तो सरकार की ज़मीन ही हड़प ली, बिल्डिंग उनका ले लिया बिना किसी ऑर्डर का, ये तो बहुत गलत काम है। उन्होंने कहा कि भाई हम ट्रेन होकर कार्डियोलॉजिस्ट आए हैं और सर ऐसी ऐसी बात है कि लोग फैले हुए इधर उधर हैं जिनका ठीक से उपचार नहीं हो पाता है, सो मैंने सोचा कि खाली बिल्डिंग है उसमें उसी में डाल देते हैं। तो अब देखिए कि उस समय का ब्यूरोक्रेसी और आज के ब्यूरोक्रेसी में क्या डिफरेंस है उसका हम बताते हैं। तो कर्नल नाथ ने सारी बात उनकी सुनने के बाद कहा कि उन्होंने कहा कि हम ट्रेनिंग लेके आए हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर सकें, प्रॉपर रूप में इलाज हो सब। उन्होंने कहा कि आप जाइए, आपको फिर बुलाते हैं, आपको फिर हम खबर करेंगे, आप फिर आइएगा। अब आपको सही बात बताते हैं कि नेक्स्ट डे जब डॉक्टर साहब गए जहाँ उन्होंने पेशेंट को रख दिया था, उसी रात नर्सेज की बहाली, वार्ड बॉय की बहाली, हर जो मेडिकल अस्पताल में जैसे सफाई करके कहने का लगे, हर लोग जो कि उस अस्पताल में होना चाहिए, रात ही रात 20-30 आदमी सब लोगों का अपॉइंटमेंट कर्नल नाथ ने कर दिया था। और कल से उस सवेरे से वो बिल्डिंग जो थी वो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जानी जाने लगी और वहाँ पर कार्डियोलॉजी की स्थापना हुई। उन्होंने अपने जीवन से एक रिस्क लिया, नौकरी से भी रिस्क लिया कि तुरंत आए हैं सब छोड़ छाड़ के आए हैं और ये स्टेप उन्होंने लिया। तो ये वो सोच के चले कि भाई इसका कोई भी रिपरकशन हो सकता है। और आप लोग जानते हैं कि आजकल और कुछ हल पहले भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आप कुछ करते हैं या अपने मन से कर देते हैं तो वो एक लंबा सिलसिला चल पड़ता है। तो कार्डियोलॉजी उस तरह स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुई, उनका पहला टर्म जब हुई, तो पिताजी ने उनसे समय लिया कि हम आकर के मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने समय दिया, ये दिल्ली गए उनसे मिले। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया पिताजी ने कि ये तो काफ़ी पुराना कार्डियोलॉजी का ये पहला अस्पताल था, कि ये इतना पुराना अस्पताल है और हृदय रोग के लिए है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसका नामकरण जो है वो आपके नाम पर हो, अगर आप परमिशन दें तो। तो था उसका ही बोले कि उस समय में उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे, मोहन साहब तो नहीं थे, यशपाल कपूर साहब थे। उन्होंने यशपाल कपूर साहब को बुलाया, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब आए हुए हैं, आप इनको एक लेटर टाइप करके अभी दे दीजिए इनको कि इस संस्थान का नाम मेरे नाम पर होने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह इसका नाम इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पड़ा, जो कि सेंट्रली फंडेड भी उस समय था और बिहार सरकार की तरफ से भी उसमें पैसे आते थे।
तो जब ये जाने लगे तो उन्होंने इंदिरा गांधी ने कहा कि डॉक्टर साहब एक मिनट एक बात और आपसे कर दी है, तो ये फिर लौट के आए। उन्होंने कहा कि आप सारी बातें कर गए और आपने अपना विजन बताया कि आप उसमें कैसे बढ़ाना चाहते हैं, कैसे क्या करना चाहते हैं, लेकिन आपने कभी फाइनेंस की बात नहीं की, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है उसको बढ़ाने में क्या। तो इन्होंने कहा कि नहीं मैडम है तो बढ़ाने की, लेकिन हमने सोचा कि शायद उचित यहाँ बोलना नहीं। बोले कि नहीं आपको कितने फंड्स की ज़रूरत होगी उसको, जो आपका विजन है उसको बढ़ाने में। तो उन्होंने कहा उस समय में मुझे ऐसा याद पड़ता है कि उन्होंने शायद कहा कि 1 करोड़। तो फिर यशपाल कपूर जी को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि इनको फंड्स की व्यवस्था करवा दीजिए डॉक्टर साहब, ताकि जो जैसा विजन है कार्डियोलॉजी बनने का वो बन पाए। तो ये कार्डियोलॉजी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बनने की कहानी है, और आज जो आप उसका रूप देख रहे हैं, शायद यह जाके नहीं देखें लेकिन किसी ने कहा कि 10 तल्ला बिल्डिंग ये सब है, तो वो आज का रूप है उसका। दूसरी उपलब्धियों में इनका है कि ये भी 1953-54 का उनका एक रिसर्च था कि दो आदमियों का ECG एक नहीं हो सकता है। आपका ECG सर्टेन पैरामीटर्स पर बैठाने पर आपका ECG अलग होगा, मेरा ECG अलग होगा। तो अगर आपसे हम पूछे हैं और उन्होंने कहा कि इसके आधार पर आदमी की पहचान की जा सकती है, तो उस समय अगर आपसे हम पूछें कि किसी आदमी की पहचान आप कैसे करेंगे, तो आप लोग कुछ बताना चाहिएगा कैसे होगा। आँख से। अच्छा, और फिंगरप्रिंट। बहुत सारा हम लोग मेडिकल स्कूल में पढ़ते थे, ज्यूरिसप्रूडेंस की किताब थी, मोदीज ज्यूरिसप्रूडेंस की किताब, जिसको कि हम लोग ज्यूरिसप्रूडेंस में बाइबल मानते थे उस सब्जेक्ट के लिए। तो सब जगहों पर वही किताब पढ़ाई होती है, उसमें आइडेंटिफिकेशन चैप्टर में 10-15-20 तरीके हैं आइडेंटिफाई करने के। जैसे कि कोई बॉडी मिला रास्ते पर तो लड़का का है, मैंने मर्द का है कि औरत का है, फिंगरप्रिंट सामने ठीक का फिंगरप्रिंट से डैक्टिलोग्राफी करते हैं उससे पता चलता है। आजकल तो DNA से सबसे ज़्यादा कारगर है DNA। तो ये सब बहुत से उसमें लंबी लाइन है, 10-15-20 तरीके हैं जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि भाई ये अगर कोई बॉडी मिला है किसका। उसी में उन्होंने जोड़ा कि ECG करने से भी पता चलेगा कि वो आदमी वही है कि दूसरा है। मान लीजिए कि अगर कोई आदमी मरा हुआ है उसका ECG अगर मिल जाए तो उसे मिला करके बताया जा सकता है कि ये आदमी उसका है या किसका है। तो यहाँ तो ECG मशीन आज भी उतनी प्रचलन में नहीं है, खास करके पुलिस फोर्स के पास तो कुछ नहीं है। स्कॉटलैंड यार्ड जो इंग्लैंड में है UK में, उन लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और आज के दिन भी वहाँ कोई इनकार्सरेटेड होता है, मान लीजिए कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में पकड़ा जाता है या जेल जाता है, तो उसके सारे फिंगरप्रिंटिंग सब रिकॉर्ड तो रहता ही है, लेकिन उसका ECG भी फाइल किया जाता है एज वन ऑफ द एविडेंसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो वहाँ वो चीज़ आज भी फॉलो होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट ने एक ऐसा रिसर्च दिया होगी 1953 के आसपास जिसकी महत्ता हम लोग के कंट्री में तो इसलिए नहीं हो पाई कि हम लोग उतना इक्विप्ड नहीं थे उसको करने के लिए, लेकिन बाहर में जो लॉ इन्फोर्समेंट की जो संस्थाएं हैं वो लोग उसको फॉलो करते हैं। उसके अलावा उनका जैसा कि श्रेष्ठा जी ने कहा कि पॉलीपैथी की बात, उसको उन्होंने हिंदी में कहा सर्वधारा चिकित्सा पद्धति। होता था कि हम लोग क्लिनिक में जो लोग आते थे तो सरकारी इलाज तो काफ़ी मैंने मॉडर्न मेडिसिन का इलाज जो है वो तो काफ़ी महंगा पड़ता है, और बहुत से चीज़ों में मॉडर्न मेडिसिन की ज़रूरत है भी नहीं, और हम लोग का कंट्री इतना रिच है मान लीजिए आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, यूनानी में, कहने का मतलब कि दूसरे पद्धतियों में जहाँ की मिला करके किसी का इलाज किया जा सकता है। तो उसका दो प्रिंसिपल था कि अगर पेशेंट आपके पास आए, और वो इसको काफ़ी इस्तेमाल करते थे, अगर पेशेंट उनके पास आए और उन्होंने देखा कि दो क्राइटेरिया, एक तरह की इसकी बीमारी के हिसाब से सबसे कारगर दवा कहाँ हो सकती है, और दूसरा था कि इसका फाइनेंशियल स्टेटस है कि नहीं इलाज कराने के लिए। अब मान लीजिए कि हम आ जाए, हमारा उपचार सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन से हो सकता है लेकिन हमारा पॉकेट अलाउ नहीं करता है,
लेकिन मान लीजिए कि यूनानी में कोई ऐसी दवा है जो कि कारगर हो सकती है, तो वो कहते थे कि नहीं आप हकीम साहब, उस समय यूनानी हकीम साहब थे, उनके पास आप जाइए और अपना उपचार वहाँ कराइए। वो एक सर्वेलेंस रखते थे अपना भी कि पेशेंट का बाकी हाल चाल कैसा है, लेकिन वो अक्सर उन सुविधाओं का उपयोग करते थे। NIH जो है उसका एक विंग है जिसका नाम है NCAM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। वहाँ पर यही रिसर्च होता है कि डिफरेंट पैथीज से कोई एक बीमारी को लेकर के, डिफरेंट पैथीज को लेकर के, होम्योपैथी, आयुर्वेद, योगा, इस सब को लेकर के वो लोग रिसर्च करवाते हैं कि इस बीमारी के लिए और कौन दूसरा कारगर ये हो सकता है। ये तो हुआ वहाँ का केस था जो कि आज भी काफ़ी चलता है, उन लोगों को काफ़ी फंडिंग भी और काफ़ी बड़े रूप में वहाँ काम होता है। और यहाँ पर जो आप जानते हैं कि जो क्या पीयूष या क्या कहते हैं जो कि आयुष वाला जो है वो भी उसी आइडिया पर है कि जहाँ की डिफरेंट पैथीज के लोगों को ब्लॉक की सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में पोस्ट किया जाए, ताकि फिर आइडिया वही है कि कौन से कारगर दवा होगी और खर्च की बात वही सब बात आती है। उसके बाद उन्होंने 11 किताबें लिखी। वो उनका 11 किताबों में फिलॉसफी की भी बात थी, कैसे आप भगवान को या सुपर पावर को पाने की कोशिश कर सकते हैं बेस्ड ऑन साइंस, उसकी बात भी है कि रिलीजन और साइंस में तो हमेशा द्वंद्व रहता है, लेकिन उनका एक कॉन्सेप्ट था जिसको उन्होंने दिया स्पिरिटोमेट्री। उन्होंने कहा जैसे ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री होता है, उसी तरह स्पिरिटोमेट्री, कि साइंस को कैसे आप को आपके थ्रू कैसे आप भगवान तक पहुँच सकते हैं, और उसके आधार पर उन सब पब्लिकेशंस के आधार पर एक और मेंशन कर देते हैं। उसमें एक उनकी कविता की किताब थी त्रिनवेणी, तो जो यहाँ पर खानकाह है फुलवारी शरीफ में, वहाँ के पीर जो है वो लोग भी आते थे लिखाने के लिए पिताजी से, पिताजी भी जाते थे वहाँ देखने के लिए फुलवारी शरीफ। तो बात ही बात में वहाँ जो बच्चे रहते थे उन्होंने से वो पूछते थे कि भाई अल्लाह के कितने नाम जानते हो, जरा बताओ। तो कोई बच्चा 4 बोले, 5 बोले, 10 बोले, 15 बोले। तो उन्होंने एक कविता बनाई जो कि त्रिनवेणु, जो हिंदी में कविता का संग्रह है, उसी में वो कविता उर्दू में लिखी गई है जिसका नाम है अल्लाह के 99 नाम। उन्होंने कहा कि हमने इसलिए इसको बनाया ताकि बच्चे कविता के रूप में नाम याद करना शायद ज़्यादा आसान होगा उन लोगों के लिए। और उसी के क्रम में एक बात बता दें कि उर्दू सीखने का जो क्रम था, आपको उसका आश्चर्य होगा कि जब वो 76 ईयर्स के हुए तब अपने से उन्होंने उर्दू सीखना शुरू किया। और खुदा बख्श खान लाहौरी के लोग जो पहले थे उन्होंने भी हमको कहा है और बाकी उनकी किताबों में भी निकला है कि वो उसमें इतना पारंगत हो गए उर्दू बोलने में और लिखने में कि ही वॉज लाइक एनी अदर उर्दू स्कॉलर, जो कि उस विषय के जानकार थे, उतना भर उन्होंने उसने अपना ज्ञान हासिल करने की कोशिश की। लेकिन प्रोसेस शुरू हुआ 76 ईयर्स को के एज में, 92 या 91 ईयर तक जिंदा रहे, लेकिन उस पूरे फेज में उन्होंने उसकी पूरी का उपयोग किया उसके लिए। तो हम कह रहे थे कि वो जो किताबें लिखी थी उन्होंने साइंस और रिलीजन के आधार पर, तो 1893 में पहला हुआ था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स शिकागो में, जिसमें कि हम लोग किस्सा सुनते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी गए और बोले। और फिर 1993 में 100 साल के बाद 1993 में सेकंड पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन हुआ जो कि शिकागो ही में फिर हुआ, और उसके प्रिलिमिनरी सेशन को एड्रेस करने के लिए डॉक्टर साहब को बुलाया गया, क्योंकि उन्होंने उस तरह की किताबें लिखी थी स्पिरिटोमेट्री सब, तो हुआ कि इनको बुलाया गया, तो सेकेंड वाले को उन्होंने एड्रेस किया। अब ये सब फैक्ट्स बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग उनके आसपास थे या जो पेपर में निकला या ऐसा निकला, वो सब के आधार पर ये सब बातें जानी भी जाती हैं और पता चला उसको। अब
देखिए कि डॉक्टर होने के अलावा वो हिंदी साहित्य में भी उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। एक यहाँ निशांत केतु जी थे जो यहाँ हिंदी डिपार्टमेंट के हेड थे पटना यूनिवर्सिटी में, जो बाद में दिल्ली चले गए, उन्होंने 100 से ऊपर किताबें अपने लिखी हैं, वो संस्कृत में, इंग्लिश में और हिंदी, तीनों के विद्वान थे, जिन्होंने पिताजी की वन ऑफ द बुक्स जो है उसका संपादन भी किया है। उन्होंने हमको कहा कि 1960 के पहले का जो फेज था वो यहाँ जो नामी ऑथर्स थे नलिन विलोचन शर्मा इस इंडिया के, उन लोगों के नाम से जाना जाता है, प्रपद्यवाद उसको कहते थे। उन्होंने कहा कि 1960 के बाद का जो फेज था वो आपके पिताजी के नाम से जाना जाता है, जिसको कि पगद्यवाद कहते हैं, इट्स अ वे ऑफ राइटिंग। बोले कि वो उन्हीं का निकाला हुआ था, वो फेज जो है 60 के बाद का वो उन्हीं के नाम से एसोसिएटेड है। बात ये हुई कि वो जो लिखने की जो कला थी उस तरह से वो बहुत से लोगों ने उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए उसको, तो उसमें इसलिए उसका बहुत नाम नहीं हो सका, लेकिन वो फेज उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा हिंदी साहित्य में ठाट नील पीतांबरी, किंचन कथाएँ, ये सब जो वे ऑफ राइटिंग है शॉर्ट स्टोरीज का, वो सब उन्हीं का निकाला हुआ। तो आप देखिए कि बहुत से जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो उनके द्वारा दी गई है। ये तो हमका अचीवमेंट्स आप कह सकते हैं मेडिकल या नॉन मेडिकल फील्ड्स में। अब हम थोड़ी सी बात बता देते हैं एज ए पर्सन, क्योंकि हम उनके साथ क्योंकि हम रहते थे और देखने का बहुत मौका लगा। तो उसमें से पहली बात है कि उनके पास जो पेशेंट्स आते थे, पेशेंट जो आते थे वो इंडिया ही से नहीं आते थे और दूसरे देशों से भी आते थे, जैसे मान लीजिए अगल बगल के देश भूटान हुए, उसके बाद सिक्किम उस समय अलग था, सिक्किम भूटान नेपाल ये सब जो देश हैं अगल बगल, वहाँ से भी पेशेंट्स आते थे उनको दिखाने के लिए। अब देखिए कि कोई पेशेंट अगर कोई आदमी अगर बीमार पड़ता है, हम देहात की बात कर रहे हैं, तो वो पहले देहात के लेवल पर लोगों से बातचीत करता है, दिखाता है, बीमारी ठीक होने का चांस कितना रहता है नहीं जानते हैं, लेकिन एक तरह से समझा जाए कि एक्सप्लॉइट भी होता है। उसके बाद वो वहाँ से चलता है तो बगल के शहर में जाता है, बगल के शहर में जाने पर वहाँ भी एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है, उस समय था, अब क्या है हम नहीं जानते हैं। और वहाँ से जब काफ़ी पैसा उनका खर्च हो जाता था किसी भी पेशेंट का, तब कोई कहता था कि भाई जाओ पटना डॉक्टर श्रीनिवास से दिखाओ, तुम ठीक हो जाओ, ताकि यहाँ मेडिसिन के भी थे कार्डियोलॉजी के लिए। तो कुछ इंसिडेंट्स ऐसा हुआ जो कि हम लोग बाद में जाने कि वो आदमी यहाँ आने के लिए पिताजी से दिखाने के लिए अपना थाली लोटा ये सब को उन्होंने गिरवी बंधक रख करके उससे जो पैसा मिला उससे यहाँ ट्रैवल कर लिया। पिताजी के साथ था कि उनके चेम्बर में जो उत्तर का दरवाज़ा था वो खुला रहता था, यहाँ बैठते थे सामने का दरवाज़ा खुला रहता था, इधर से पेशेंट आते थे जाते थे, लेकिन सामने वाला दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था और उधर से कोई भी आ जा सकता था, जैसे हम लोग को जाना रहता था उधर ही से जाते थे। तो अब ये जब बातचीत करते थे किसी पेशेंट से, तो आजकल के ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी है कि भाई जाओ जल्दी 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 हटाओ, ऐसा नहीं, वो काफ़ी समय आपको जब तक बात करना आप कीजिए, तो बात करने के दरमियान ये इनका ये भी एहसास रहता था ये जानने के लिए कि भाई ये आदमी जो मेरे सामने बैठा है बीमार है, इसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनका किस्सा क्या है, उनका जीवन क्या है, ये जानने की कोशिश कर रहे। अगर उनको ये एहसास हो जाए कि इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या करते थे कि अपने पैड के राइट हैंड कॉर्नर में दो टिक लगाते थे ऐसे ऐसे। अब आप दो टिक अगर एक ही पर चढ़ता हुआ डाल दीजिए तो उसको दूसरे तरफ से देखिएगा तो एफ लगता था, अगर खड़ा करके आप देखें बता रहे, जैसे मान लीजिए कि हमने एक टिक लगाया, ठीक है ये एक टिक हो गया, अब हमने इसी पर दूसरा टिक लगा दिया, अब क्या बनेगा? तो जनरल लोगों को मालूम था कि डॉक्टर साहब ने
प्रिस्क्रिप्शन पर टिक लगा दिया है, लेकिन जब वो बाहर जाता था क्या कहते हैं कंपाउंडर साहब के पास या असिस्टेंट के पास जो फीस लेते थे, तो उनको तीन उनको चार बातें कही गई थी। पहली बात थी कि जब आप वो देखिएगा तो उनको आप कहिएगा कि आपको पैसा नहीं लगेगा, तो उनको उनको जो है सो फीस नहीं लेना है, चार बातें थी, फीस नहीं लेना है, ईसीजी का पैसा नहीं लेना है, जो प्रिस्क्रिप्शन में दवा लिखी गई है फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन का दवा पैसा आप उनको दे दीजिए, और चौथी बात थी कि उस समय में पुरस्कार चलता था, उनको तीन पुरस्कार दिया जाता था जिसमें पिताजी का एड्रेस लिखा रहता था, और उनको कहा जाता था कि फिर आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना हालचाल दवा खाने के बाद उस पुरस्कार में लिख के आप हमको भेज दीजिएगा, और जो हमको फिर बतलाना होगा हम फिर आपके पते पर उसका भेज देंगे। इससे होता था कि वो बेचारा जितने मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाए थे उनकी उनका झूठ उनका बार बार आने का पैसा नहीं लगता। दूसरा था कि इनका जो हिस्ट्री टेकिंग का तरीका था वो काफ़ी वॉल्यूमिनस था, वॉल्यूमिनस माने काफ़ी समय लिख करके वो पेशेंट का पूरी जानकारी हिस्ट्री सब उसमें लिखते थे, तो वो फाइलिंग जो था वो काफ़ी कारगर उनका रहता था, तो उसके कारण वो कहते थे कि आप नहीं आइए आप खाली भेजिए, तो उनके था कि उनके पास फाइलिंग सब रहती थी, सब उन्होंने बचा के रखा था, उसको तुरंत फाइल निकलता था, फाइल निकलने का फाइलिंग का जो उनका सिस्टम था वो आजकल के कंप्यूटर सिस्टम से भी बेटर था, क्योंकि अगर कोई 20 साल 25 साल के बाद ही पेशेंट आ रहा है तो आप हमारी बात मानिए कि वो अगर अपना नाम बोलेगा और कब लगभग डेट में बोलेगा कि कब आया था या किस साल आया था किस महीने में आया था, तो उसका फाइल निकालने में 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं होगा, अब फाइल तो धीरे धीरे मोटी होते होते काफ़ी मोटी हो गई थी, लेकिन सबको सब फाइल मेंटेन थे, हम लोग के यहाँ कैटेगराइज किए गए थे और सब उपलब्ध थे हर पेशेंट। उसका ये भी एक रीज़न था कि फ्यूचर में अगर कोई नौजवान डॉक्टर रिसर्च करना चाहे, जैसा कि आप लोग के यहाँ जो स्कॉलर्स को सुविधा मिलती है, उसी तरह की बात थी कि वो चीज़ें वहाँ होंगी जिसको कि इस्तेमाल करके कोई रिसर्च हार्ट डिजीज को कर सकता है, उतना फॉलोअप आप सोचिए कि 1950 से लेकर के जब उनका देहांत हुआ 2010 में, उतना लंबा फॉलोअप तो कार्डियोलॉजी का पेपर्स का किसी भी अस्पताल या किसी भी क्लिनिक में आपको नहीं मिले, तो आइडिया उसके पीछे वही थे, तो वो हम लोगों का छूट जाता था। तो ये था तो उनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। अब पर्सनल लाइफ के आपके बारे में बताएं कि कोई भी उनके पास आ जा सकता था और उनको आपको जानने की ज़रूरत नहीं थी, अगर आपको मदद की ज़रूरत कोई हो आपको जानने की ज़रूरत नहीं थी, हम डॉक्टर श्रीनिवास को पर्सनली जानते हैं। तो एक बार का एक किस्सा बता देते हैं, सब बहुत सा किस्सा है, और ये जो आपको बोले पेशेंट वाला, हर दिन 20-25-30 आदमी ऐसे होते थे जिनको कि उस तरह की मदद होती थी, और एक रुद्र जी की कविता है हम सुनाते हैं, वो इसी किताब में है, अगर आप वो एक मिनट दें, और इसका उसकी कविता में है कि बंबू जरूरी है मुझको घर लौटना, एक मुझे भी ले लो अपनी नाव पर, देर तनिक हो गई वहाँ बाजार में, मोल टोल के भाव और व्यवहार में, मैं गरीब न ले सका अपने भाव पर, बंधु मुझे भी ले लो अपनी नाव पर, सनक नहीं तो क्या कहिए इस ठाट को, कौड़ी लेकर पास चला था ठाट को, पड़ता रहा नमक ही मेरे घाव पर, बंधु मुझे भी ले लो अपनी नाव पर, हल्का हूँ होऊंगा नहीं मैं भार, निर्धन हूँ बस दे सकता हूँ प्यार, मैं गीत सुनाऊंगा मीरा के और सुर के, और ले लेना जो पाऊंगा दो चार में। कहने का मतलब कि एक गरीब आदमी की व्यथा इस कविता में है, लेकिन इसमें एक भी आप देखिए कि उसमें स्वाभिमान कितना है, वो कह रहा है कि भाई हम गरीब हैं, हम बाज़ार गए कुछ खरीद नहीं सके, कौड़ी लेके गए थे सोचे कुछ खरीदेंगे, मोल तोल करते रहे कुछ हुआ नहीं, शाम हो गया, अब हम आपके नाव पर आए हैं, हमको उस पार जाना है, हम पैसा आपको नहीं दे सकते हैं लेकिन आपको हम गीत सुना सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, और जो गीत हम आपके नाव पर सुनाएंगे इस किनारे से उस किनारे जाने में, उसमें अगर दो चार पैसा हमको मिल गया
तो वो मैं आपको दे दूंगा। उसमें स्वाभिमान की बात देखी, तो इन पेशेंट्स को जो माफ़ किया जाता था, तो उनको जो वहाँ के स्टाफ थे उनको ताकीद किया गया था कि ये मत बोलिएगा कि आप गरीब हैं इसलिए आपको छोड़ दिया गया पैसा, आप बोलिएगा कि 20-25 आदमी जो आज जिनको फीस नहीं लगेगा उसमें आपका नाम निकल गया है। तो उसको लगता था कि अल्लाह ताला या भगवान या जो सुपर पावर है उसके कृपा के कारण हमको पैसा नहीं लगा, तो उसका स्वाभिमान जो था उसको ठेस नहीं पहुँचता था, इतना तक वो ध्यान रखते थे। मदद तो बाद मैंने एक बात हुई, लेकिन उस मदद के कारण उनको ये एहसास नहीं हो कि हमको इसलिए मदद की गई है कि हम गरीब हैं या पैसा देने के योग्य नहीं। तो उनका था कि उसी क्रम में डॉक्टरी के अलावा भी बहुत लोगों की मदद होता था। एक बार का वाक्य है कि एक दलित या सफाई कर्मी कहा जाए जो कि काम करते थे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के बाहर का जो बाउंड्री वॉल था उसको झोपड़ी गिरा के रहते थे, उसमें उसी में जाके हाई कोर्ट में काम करते थे, उसी में रहते थे। उनका नाम था नागाराम। तो नागाराम की जब पोती की शादी की बात हुई तो उनके पास उतना पैसा नहीं था कि बच्ची की शादी कर पाए, तो किसी ने कहा कि भाई जाओ ना डॉक्टर श्रीनिवास के पास, जरूर मदद तुमको करेंगे, जाओ उनसे बात करो। तो नागाराम जो आपको हमने कहा ना कि उत्तर की तरफ का जो दरवाज़ा खुला रहता था, नागाराम आके वहाँ बैठे तो पिताजी देखे उनको, तो उन्होंने कहा कि यहाँ ये हमसे काम है आपको? तो उन्होंने कहा कि जी हमको आपसे काम है, सो ऐसी ऐसी बात है कि हमारे पास पैसा बहुत कम है और हम अपनी पोती की शादी नहीं कर पा रहे हैं, उसकी शादी की उम्र हो गई है, शादी ठीक भी हो गई है, तो किसी ने कहा कि आपके यहाँ आने पर कुछ मदद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे की ज़रूरत है या आपके शादी में क्या व्यय होगा, मैंने कितने पैसे लगेंगे आपकी शादी होने में फंक्शन। तो वो शायद बोले उस समय 60 की बात है 500 रुपये। तो पिताजी ने उन्हें 1000 का चेक काट करके उनको दे दिया, कहा कि आप जाइए शादी कीजिए। एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता के बाद वो फिर आए, वहीं बैठे हुए थे, तो पिताजी ने कहा कि हाँ ये अब क्या बात है? उन्होंने कहा कि नहीं सब ठीक ठाक तो हो गया, सभी यहाँ सो शादी जो है सो 4-5 दिन के बाद है, हम चाहते हैं कि आप ही बच्ची का कन्यादान कीजिए। तो पिताजी कि भाई हमारा करना उचित नहीं है, तो पिता का धर्म है, कन्यादान तो पिता करता है, सो हमको मत उसमें, तो हम आ जाएंगे शादी में लेकिन हम कन्यादान नहीं करेंगे, आप पिता का धर्म है वो करेंगे। वो अर गया कि नहीं ऐसे नहीं होगा, आप ही को आना होगा, ये हमारी माँ थोड़ी दूसरे स्वभाव की थोड़ी थी, कहीं समाज क्या बोलेगा ये क्या करेगा, अपने जो भी उनका एक्सप्लेनेशन था उन्होंने दिया। अब यहाँ देखिए, हमको याद है उस ड्राइवर का नाम था रामानंद, मैं हम लोग का ड्राइवर जो समझ। पिताजी ने उस रामानंद को कहा कि ड्राइवर साहब सो एक पीली धोती का आप इंतजाम कीजिए और हम भूल नहीं जाएँ, आप इस तारीख को इस दिन को हमको क्लिनिक में 8 बजे याद कीजिएगा कि कहीं जाना है। तो बात वैसे ही हुई, रामानंद जी ने जाकर हमको कहा कि डॉक्टर साहब सो 8 बजे आपको जाना था, जो धोती आप मंगाए थे उसका टाइम हो गया। तो पिताजी बोले कि धोती लेके आओ, तो धोती उन्होंने पहना, क्लिनिक में ही उन्होंने कपड़ा बदला, धोती पहना, और बाद में हम लोगों को मालूम हुआ कि पूरे दिन वो फास्ट किए हुए थे ये, और उस झोपड़ी में वो गए, उनके पिता जो अपना लहसुन कर रहे थे उनके बगल में बैठे, कन्यादान इन्होंने नहीं किया लेकिन कन्यादान को पिताजी ने, लेकिन उस फॉर्मेलिटी में ही वो पार्ट ऑफ दैट उनके बगल में बैठकर, या हो सकता है ब्रीफली उसमें उन्होंने किया भी हो। तो जब शादी हो गई, लड़की की विदाई की बात आई, तो उसके हाथ माथे पर हाथ डाल के उन्होंने कहा कि बेटी, मानकी नाम था उसका, बेटी सो आज से आप मेरी लड़की हैं और जो भी हमसे बन पाएगा आपके लिए हम करेंगे। और आपको हम सच्ची बात बोलते हैं कि हम 4 भाई बहन हैं, उस घर में मानकी का वही लार दुलार और प्यार था जो कि हम लोगों को मिलता था, कोई डिफरेंस नहीं था, उसके हस्बैंड की नौकरी लगानी हो या उसके बच्चे की पढ़ाई हो या जो भी उन लोगों का रिक्वायरमेंट्स था, कहा जाए रिक्वायरमेंट्स अपने जगह पर, प्यार सबसे बड़ा चीज़ था, वो दोनों हर चीज़ की पूर्ति होती थी। दूसरा हुआ कि यहाँ पर एक शायर थे सैयद काजिम हुसैन जार अजीमाबादी, पटना सिटी में थे, वो पिताजी के पेशेंट हुआ करते थे, उम्र में काफ़ी
पिताजी से बड़े और बीमार भी रहते थे, तो वो आते थे दिखाने के लिए एक क्लिनिक में। एक बार उन्होंने जिक्र किया कि श्रीनिवास जी, सो हम शायरों का क्या करना है, सो हमको हमेशा एक चिंता रहती है कि जब हमारा देहांत हो जाएगा, रुसवा यहाँ से हो जाएगा दुनिया से, तो मेरे ऊपर चादर डालने की भी का भी पैसा मेरे पास होगा कि नहीं, नहीं जाते हैं, तो ये चिंता हमको लगी रहती है। तो पिताजी ने उनका हाथ इस तरह का पकड़ा अपने हाथ में और कहा कि तजिमा वाजी साहब, मैं नहीं जानता कि इस दुनिया से मैं पहले रुखसत हूँगा कि आप होइएगा, ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना हम आपको प्रॉमिस करते हैं, मैं वादा करता हूँ कि अगर आपके बाद मैं गया तो आपका पूरा मज़ार या जो भी है वो सब हम बनवाएंगे। और हुआ ऐसा कि बीमार रहते थे अजीमा वाजी साहब का देहांत पहले हुआ, और बाद में उनके एक पोता है, उनकी डॉटर इन लॉ, उन लोगों को बाद में पता चला कि उन्होंने कहा कि जो वर्ड ठीक है क्या मजलिस जिसको जो जो फातिहा, उन्होंने कहा कि जब फातिहा का कार्यक्रम सब खत्म हो गया तो बोले कि लास्ट मैन जो उस कब्र के पास खड़े थे वो आपके पिताजी थे, उनकी आँखें नम थी। कहने का मतलब कि एज अ पर्सन वो खाली प्रॉमिस नहीं कर देते थे कि भाई, जैसे कि आजकल होता है कि कोई किसी को बोला था हम कर देंगे तुम आओ हो जाएगा, वो नहीं करते थे, अगर वो कहते थे तो करते थे। और जितनी बातें आपको हम कह रहे हैं उसमें आप देखिएगा कि जाति धर्म के बियॉन्ड वो काम होता था, ये नहीं होता था कि ये पर्टिकुलर जात का है या कास्ट का है या वो सब कुछ नहीं था, वहाँ था कि आप इंसान हैं तो बस इतना ही। उस समय धर्मयुग एक मैगजीन निकलता था, पता नहीं आंसुओं में से कुछ लोग देखे हुए हैं, उसके एडिटर थे धर्मवीर भारती ने, यहाँ उस समय ICS अफसर थे एक जगदीश चंद माथुर, वो हिंदी में भी आर्टिकल्स लिखते थे धर्मयुग के लिए, तो धर्मवीर भारती ने वहाँ से कहा उनको कि भाई आपके यहाँ हमने सुना है कि एक अजीब तरह का डॉक्टर है जो कि हर तरह से बहुत चीज़ों में अकम्पलिश्ड है और उनका नाम हमने बहुत सुन रखा है यहाँ, उन पर एक आर्टिकल लिख के भेजिए। तो जगदीश माथुर जी ने समय लिया पिताजी से, पिताजी ने कहा कि क्लिनिक में ही आइएगा, वहीं बैठ के बातचीत होगी। तो उनका पिताजी का एक उनकी एक आदत थी कि जब आप उनके रूम में आते सामने से तो वो अपने सीट से खड़े हो जाते थे और खड़े होकर के आपको नमस्कार करके आपको कहते थे कि बैठिए, आप जब बैठ जाते थे तब वो अपने सीट पर बैठते थे। और ये किसी के लिए भी होता था, एक गरीब गांव का गरीब आया उसके लिए भी होगा, हम लोग जाते थे हम लोग के लिए भी करते थे, और जो VIP और सो कॉल IAS और चीफ मिनिस्टर लोग इस तरह के लोग जो आते थे उन लोगों के लिए भी होता था, सबके लिए होता था। तो जगदीश चंद माथुरी देख रहे थे, उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब ये क्या है, कि मैंने और जगह तो हम नहीं देखते हैं कि कोई ऑफिसर उठ करके किसी को रिसीव करता है, आप तो देखते हैं हर आदमी के लिए, गांव का देहात का गरीब है उसके लिए भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम किसी के ओहदे या पैसे पर नहीं खर्चा होते खड़े होते हैं, हम खड़े होते हैं उसमें जो अल्लाह का या भगवान का जो रूप है उस शरीर में उसके लिए खड़े होते हैं, और जब हम किसी का इलाज करते हैं तब यही सोचते हैं कि उस घर में जो शरीर रूपी घर में जो भगवान का रूप है और मंदिर बाहर से ढह रहा है उसको, हमारा सिर्फ यही काम रहता है जो मंदिर के दीवारों को ठीक कर सकें जितना कर सकें, और जब तक वो शरीर है वो आत्मा चले। तो कहते कहते सोचने का बहुत ही डिफरेंट उनका तरीका था। उनके अंडर उनसे दिखाने वाले एक से एक हर धर्म के गुरु या कहा जाए पीर उनके यहाँ जो पटने में आए वो लोग आके दिखाते थे, जिसमें दलाई लामा भी थे और लोग भी थे, शारणानंद जी, अखंडानंद जी के जो भी नाम आप उस समय का ले सकते हैं सब लोग उनके पेशेंट। तो जब हुआ उनको कि भाई इनको 60 साल के जब हुए तो किसी ने उनको कहा कि भाई तो गुरु बना लीजिए आप, जैसे हम लोग कहते हैं गुरु लोग बनाते रहते हैं तो वो गुरु बना लीजिए, इस वजह से तो बहुत से लोग आपके जानकार हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमको गुरु बनाना है तो हम अपनी माँ से दीक्षा लेंगे, माँ को गुरु बनाएंगे। क्यों, कहे कि धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा जो है वो हमको अपने माँ से मिला है। और आपको सही बताएं कि गुरु पूर्णिमा के दिन जो हम लोग के हिंदू धर्म होता है गुरु पूर्णिमा के दिन जिस दिन गुरु पूजे जाते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन अपने
पूजा रूप में बैठ करके उन्होंने अपनी माँ से दीक्षा ली और माँ के साथ उनका जो केमिस्ट्री था वो ऐसा था जो कि हम किसी दूसरे एटलीस्ट हमारे नज़र में नहीं आया है होगा लेकिन दिखे नहीं है। होता था कि उनकी माँ रोज दिन जाती थी गंगा स्नान के लिए, पटना में रहती थी जाती थी गंगा स्नान करने के लिए आती थी लौट करके, तो अपने माँ को प्रणाम खाली पैर छूके या माथा छूके या हाथ छूके या हाथ पकड़ के नहीं करते थे, माँ को साष्टांग जमीन पर लेट के प्रणाम करते थे सिर्फ माँ को। और वो जाड़ा में सूट पहने हो तो या गर्मी में उनका वाइट ड्रेस रहता था ऊपर का शर्ट और पैंट, वो किसी भी स्थिति में जो भी पहने रहते थे उसमें वो जरूर करते अपनी माँ को, या जब भी मिलते थे मान लीजिए कि गंगा स्नान तो हमने एग्जाम्पल दिया आपको क्योंकि वो कार्यक्रम रोज होता था, लेकिन मान लीजिए कहीं गई हुई हैं आई वहाँ से बाहर से लौट करके तब भी उसी जगह। अब देखिए कि जो हम लोग का पूजा रूम है जिसको कि सैंक्टम सैंक्टोरियम कहते हैं, उसमें बहुत सी चित्र लगी हुई थी, उसमें मक्का मदीना का भी बहुत सा बड़ा फोटो लगा था, उसमें बुद्ध की भी मूर्ति थी, हिंदू धर्म में वो शिव के उपासक थे तो शिव जी और पार्वती जी लोगों की मूर्ति थी, जीसस क्राइस्ट और मेरी की भी, कहने का मतलब कि उस रूम में आप घुसते तो हर धर्म की प्रतिमा आपको मिलती है, हर धर्म से रिलेटेड सामान उसमें आपको दिखने को मिलता है। उसी में बैठ करके वो सवेरे ध्यान करते थे आधा घंटा एक घंटा के लिए। रूटीन ऐसा था जो पेशेंट देखने वाला आपको बोले कि उनका क्लिनिक शुरू होता था 7 बजे शाम में, हॉस्पिटल से लौटते थे 4 बजे शाम में, एक घंटा वो कुछ खा के आराम करते थे, 5 से लेकर के और 7 तक जितना VIP कॉल्स या जो भी होता था इनको देखने जाना है, गवर्नर को जिसको जिसको भी देखना है उसको देखते थे, और 7 बजे उनका क्लिनिक शुरू होता था। कब ख़त्म होता था गेस कीजिए, कब ख़त्म होता था? सवेरे 3:30-4 बजे भोर में, और ये कार्यक्रम रोज होता था। तब जो बाहर के लोग थे वो लोग कहते थे वो डॉक्टर साहब पैसा पीट रहे हैं, पैसा क्लिक कर रहे हैं, बात ऐसी नहीं थी। होता ये था कि एक दो बार ऐसा वाक्या हुआ कि आपको तो हमने कहा है कि पेशेंट बहुत दूर दूर से आते थे और काफ़ी बीमार होकर भी आते थे, एक दो बार ऐसा हुआ कि वो अपना टर्न वेट कर रहा है लाइन में मैंने वहाँ बैठ करके, तो उसका देहांत हो गया जब तक अटेंड हुआ पेपर में, तब उन्होंने अपने मन में बना लिया कि जो पेशेंट मेरा उस दिन मेरे पास आ जाएंगे उनको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देने के बाद ही हम उठेंगे जितना भी समय लगे। तो उसमें पैसे कमाने की बात नहीं निकाली, हम लोग तो घर में थे, हम लोग जानते थे 20-25-30-40 तो ऐसे ही फ्री होता है हर दिन या जो भी होता है, पत्रकार जर्नलिस्ट और साहित्यकार कहने का मतलब ये लोग से तो पैसा लेते ही नहीं थे देखने का, और अगर मान लीजिए किसी साहित्यकार को आना है दिखाने के लिए ये करते थे कि अपनी गाड़ी भी भेज देते थे कि उनको वहाँ से ले आइए, उनको आने में दिक्कत होगी या खर्चा होगा या समय नहीं है या गाड़ी नहीं है। उसके बाद है कि उनको दो तीन चीज़ से प्रेम था या कहीं एक वीकनेस था जिसके लिए, एक वीकनेस था उनको कि अच्छी कलम मिले, अच्छी कलम का मतलब ये नहीं कि कॉस्टली कलम, अच्छी कलम का मापदंड था कि जो सही लिखे, अगर आप जो आप जिस डॉट पेन से लिख रहे हैं वो भी अगर जाए, और दूसरा था कि वो कहते थे साल के शुरू में होने पर हम लोग को कहते थे कि तुम एक ऐसी डायरी खोज के लाओ जिसमें पॉकेट डायरी जिसमें कि एक पन्ना एक दिन के लिए एक पन्ना, जैसे आजकल की डायरी में ना एक ही शीट में 2-3 डेट हो जाता है, वो कहते नहीं एक डेट वाली डायरी जो पॉकेट में रखी जा सके, उस समय पतले पतले पन्नों की डायरी आती भी थी एक पेज वाली, लेकिन साल के लास्ट 1-2-3 दिन में परिवार के लोग इसी खोज में रहते थे कि डायरी कहाँ से मिलेगी और कैसे आएगी और उनको ला के देना, कारण ये था कि डायरी बहुत लिखते थे और जितनी भी 11 किताबें उन्होंने लिखी, समय का तो पूरा अभाव था उनको, जितने भी 11 किताबें उन्होंने लिखा वो उसी पीरियड में लिखा गया जबकि एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी को किसी को देखने जा रहा है, उसी बीच में बैठे बैठे अपना स्लिप पर या उसमें लिखते रहते थे और बाद में उसी सबको टाइप करा के कंपाइल करा करके किताबों का फॉर्म आया।
एक चीज़ जो हम एक रेलिवेंट की बात है जो हम बताना चाहेंगे वो है कि उनको एक भजन बहुत प्यारा था। हमारी वाइफ जो है बनारस की हैं और सितार उतार उन्होंने वहाँ सीखा था, अपना एमए किया था म्यूज़िक में। तो जब हमारी शादी हुई तो जब हम लोग पहुँचे बनारस की हैं वो, बनारस पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हम जरा मंदिर जाएंगे पूजा करने के लिए। सारी भक्त तो जो बारात वाले थे वो यहाँ खाने का इंतजाम है ये वो कर नहीं, हम पहले पूजा करके आते हैं, वहाँ शिव के भक्त वहाँ पूजा करके आते हैं तो हम तब खाएंगे। पूजा करके आया उसके बाद उन्होंने हमको बुलाया, उन्होंने कहा कि हमको बउआ कहते थे क्योंकि तो बउआ ऐसा है कि जो लड़की आज से हम लोग की बहू होंगी वो उनको पूरा आदर भाव देना, इसलिए कि उस शिव के नगरी से जा रही हैं, उस शिव की पुत्री हैं। तो मैंने कहने का था कि एक एक पिता के जैसा एहसास कहिए। और तो चूँकि वो म्यूज़िक में थी तो जब यहाँ शादी के बाद आई हम लोग के घर में तो पिताजी ने उनका म्यूज़िक का जो लेसन था उसको जारी रखा। पन्नालाल दास से यहाँ एक सितार वादक पटना क्या कहते हैं ऑल इंडिया रेडियो में, उन्हीं को ठीक किया गया कि उनको उनकी प्रशिक्षण को जारी रखने के लिए। तो उनसे वो एक भजन हमारी वाइफ से वो कहते थे कि दुल्हन हमको जो भजन जो उनको प्रिय था कहते थे मुझे गा के सुनाई। और जब हम लोग अमेरिका चले गए वहाँ से भी जब आए हम लोग तो पहला चीज़ वही कहते थे दुल्हन भजन जा सकाई। तो जब ये बीमार पड़े जब सेकेंड टाइम इनको स्ट्रोक हुआ, पहले टाइम स्ट्रोक हुआ तो ये कोमा में थे और वो था 205 की बात। तो बोली उन्होंने कि किसी अस्पताल में भर्ती थे, संभाव यहाँ से वो खबर हमको नहीं मिली कि उनको स्ट्रोक हुआ है जिस भी कारण से। एके ठाकुर यहाँ थे जो कि पिताजी के शिष्य थे और पिताजी को पिता के रूप में मानते थे, उन्हें डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब भी उनको पुत्र के रूप में मानते थे। उनसे हम अक्सर आपको बातचीत होती थी, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमको स्ट्रोक हुआ है समदर्शी, सो आप आ जाइए। हम यहाँ आए तो कोमा में हमेशा एक ही बात रिपीट कर रहे थे, बउआ आया बउआ आया बउआ आया। तो किसी ने जोर से उनके कान के बगल में कहा, हमारे छोटे ब्रदर इन लॉन्ग ने जब हम दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने बहुत जोर से कान में कहा कि बउआ आ गया बउआ आ गया इस तरह। तो हम जब यहाँ आए तो देखे कि उनकी आँखें खुली थी, आउट ऑफ द कोमा। ये वाकया हुआ दोबारा जब उनका दोबारा उनको स्ट्रोक हुआ 2010 में, तो उस समय वो एके ठाकुर साहब के क्लिनिक में भर्ती थे, वहीं उनको ठाकुर साहब ने वहीं उनको रखा था क्योंकि जानते थे कि जितना सेवा या केयर कर सकते हैं बाहर नहीं होगा। तो जिस दिन हम आए फिर हमको खबर हुई है, जब हम यहाँ आए हम लोग पूरे परिवार के साथ, तो जब हम लोग उस रूम में एंटर किए तो हमारी माँ ने एक पंडित को बैठा रखा था जो कोना में बैठा था और बैठ के मंत्र उच्चारण ये सब कर रहे थे। लेकिन पूरे प्रक्रिया में हमने देखा कि पिताजी की आंखें बंद हैं, खुलती नहीं थी, वहाँ सब लोग बैठे हुए थे आंखें बंद रहती थी खुलती नहीं थी। तो ऐसा हुआ कि हमारी वाइफ जो है वो जाके उनके कान में वही भजन गाने लगी। तो उन्होंने देखा कि जब वो भजन गाया जाता था तो उनकी आंखें खुलती थी और एक तरफ से दूसरे तरफ उनकी आंखें जाती थी। ये हर दिन होता था, हर दिन जब हम लोग वहाँ पहुँचते थे और कान के पास वही भजन जो उनको सबसे प्रिय था वो बोला जाता था तो उनकी आंखें खुल जाती थी और जैसे लगता था कि कोई खोल गया। कोमा से उभरे नहीं
जब हम यहाँ से लौट के गए तो हमने वहाँ के जो न्यूरोलॉजिस्ट थे और जो उस प्रोफेशन में डॉक्टर थे उनसे हमने पूछा कि भाई ये क्या होता है, क्यों होता है कि हमेशा आदमी कोमा में आँख बंद है और जब उसका सबसे प्रिय चीज बोला जाता है तो आँख खुलती है, इसका कोई रिलेशन है क्या। उन्होंने कहा कि उन लोग जिससे भी हमको बात हुई सो कॉल्ड एक्सपर्ट, उन्होंने कहा कि हम लोग को नहीं मालूम है कि कैसे होता है, क्या होता है, होता भी होता है कि नहीं होता है नहीं आता। तो उसके बाद जब हम यहाँ अपने माँ से मिलने आ रहे थे तो हमारे लड़के ने हमको एक किताब दी जिस किताब का नाम था नो डेथ नो फियर, आप पढ़िए वो किताब नो डेथ नो फियर, वो ठीक नाम हान की लिखी हुई किताब जो कि वियतनामीज प्रीस्ट बुद्धिस्ट भी हैं वो, तो ठीक नाम हान की किताब आप लोग में से जो भी जानकारी चाहिए बस उसको पढ़िए, वो किताब बहुत अच्छी है। इसे भी उस किताब के लास्ट 4-5 पेजेस में उन्होंने इस बात की का जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि जो मॉन्क्स कोमा में रहते थे उन लोगों के कान के पास जाकर के, अगर उसका दो चीज़ है कि जो आदमी उसको प्रिय है पहला क्राइटेरिया ये, दूसरा है कि जो चीज़ उसको प्रिय है, जैसे हर आदमी का लाइफ का कुछ हाइलाइट्स होता है, कान वो दोनों बातें अगर कान में जा कर के कोमा के समय बोला जाए तो ठीक नान हान का कहना है कि उनके जानकारी में 2-3 केसेस ऐसे हुए थे जहाँ के लोग कोमा से बाहर आ गए। ये जानकारी इसलिए हम दे रहे हैं कि हम लोग की ज़िंदगी में कभी ऐसा किसी का मौका लग सकता है कि किसी के आपस के कोई आदमी परिवार के आदमी कोमा में हो या दोस्त हों, इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है कान में जाके विस्पर करना है, उस आदमी के जीवन का जो हाईलाइट्स हैं उसके जीवन का उसको बोला जाए तो होता है। इसका प्रयोग हमने अपने जीवन में किया वहाँ पर, तब हमको सर एक्सप्लेनेशन मिला उस बात की कि काहे उनके कान में उनका प्रिय भजन गाने पर उनकी आँखें खुलती थी और एक से दूसरे कोने में जाती थी। तो हमारे एक रिश्तेदार थे वहीं US में जिनका भतीजा ने हमको कवर किया एक दिन कि भैया सो ऐसे ऐसे उनको ले जाया गया अस्पताल में और डॉक्टरों ने कहा कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उनका जो सपोर्ट सिस्टम है उसको हटा दीजिए। US में होता है कि किसी को आप डिजिग्नेट करते हैं जो कि अगर आप डिसीजन लेने के स्थिति में नहीं होंगे तो आपके लिए मेडिकल डिसीजन ये वो वहाँ उनके फ्रेंड के पास था। जिस आदमी का किस्सा कहना है वो नेवी में कैप्टन थे और जो चाइनीज वॉर हुआ था उसमें उनका जहाज टॉर्पीडो कर दिया गया था, वो दिन इंडियन ओशन में तैरते रहे, लोग सोचे मर गए लेकिन बच के निकले, और बाद में वो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ADC के रूप में उनका पोस्टिंग था वहीं थे, तो बाद में जाके बिजनेस करने लगे US में, उन्हीं का एक किस्सा है। तो हमने कहा उस लड़के को कि क्यों सपोर्ट सिस्टम तुम हटवा दिए, सो सपोर्ट सिस्टम रहने दो, तो कहने लगे उनके जो लड़की लोग हैं इंडिया में उन लोगों का कहना था कि नहीं उनको कम करने की जरूरत नहीं, उसको हटा दीजिए, डॉक्टर कह रहा है उसी लड़की। तो हमने पूछा कि कौन आदमी है जो कि जिसके पास वो अथॉरिटी है साइन करने का कि क्या होगा नहीं होगा, तो उन्होंने उनके फ्रेंड का नाम लिया, मिस्टर बग्गा थे उनका नाम लिया कि वही उन्हीं को है, उन्हीं ने साइन कर लिया। ये किताब हम पढ़े हुए थे तो हमने मिस्टर बग्गा को फ़ोन किया, हमने कहा कि भाई उनका थोड़ी सी झूठ बोले, हमने कहा कि बग्गा साहब सो जब वो कोमा में नहीं थे उनसे जब पहले कई बार हम मिले हैं बातें होती थी तो आपकी जिक्र वो बहुत करते थे, बोलते थे कि आप उनके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। तो हमने उनको कहा कि आप ये सपोर्ट सिस्टम आपने हटवा दिया है, आप उनके डेथ का कारण क्यों बनना चाहते हैं। तो बोले नहीं डॉक्टर ने ये कहा वो क्या, हमने कहा कि ये किताब के बारे में, हमने कहा कि ओवरनाइट एक्सप्रेस से किताब आपको भेज रहे हैं, इसके लास्ट 5-6 पन्ने आप पढ़ लीजिए। तो बोले कि ऐसा मत भेजिए, सो यहाँ पे जो बुक स्टोर से आप नाम दे दिए हम ले लेंगे डॉक्टर। अब देखिए कुछ दिन के बाद मिस्टर बग्गा हमको फ़ोन किए कि डॉक्टर साहब सो आप जब उस दिन आपसे बात हुई तो हमको अपने ऊपर बड़ा ख़राब लगा, हमको बन रहा
बचपन का फ्रेंड है, हम क्यों कारण बने इसके, उनके फैमिली इंडिया में भी बैठे हैं, कुछ कह रहे हैं, हम क्यों उनकी बात माने। उन्होंने कहा कि हम गए और उसी समय में डॉक्टरों को कहा कि भाई वो हम वापस लेते हैं, इनको फुल सपोर्ट सिस्टम पर डालें। फुल सपोर्ट सिस्टम डाला गया और बग्गा साहब बोले कि हर दिन आप उस किताब में जो लिखा है, आपने जो कहा था, वो हर दिन हम कान में जाकर उनको उनके जीवन का जो हाईलाइट सब बोलने लगे। और आपको हम सही बताएं कि वो जो थे वो कोमा से निकले, और उठ के अपने नर्सिंग होम गए। नर्सिंग होम में वो 3-4 महीने तक थे, उसके बाद उनका डेथ हुआ। लेकिन हमने कहा कि क्या, वो बोले कि एक दिन वहाँ खोले और हमको बोले कि बग्गा देखो हमको पानी नहीं, नर्सेस दे रही हैं पानी, धोखा कि जो कोमा में रहता है उसको पानी गिलास से नहीं पिलाया जाता, खाली थोड़ को वेट कर दिया जाता है। तो कहे पानी नहीं दे रहा, वो पानी देने के लिए। और उन्होंने दूसरा जिक्र किया कि हम अपने भाई से बात करना चाहते हैं जो कि इंडिया में, जो कि एयरफोर्स में थे और रिटायर किए। उन्होंने भाई से बात किया, मेरे भाई से उन्होंने क्या कहा, उनके भाई से कहा कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, तुम्हारे हमको ले चलो। उस प्रक्रिया में थे कि उनको इंडिया ले आने का। लेकिन हम ये किस्सा इसलिए बोले कि पिताजी से भी एक तरह से रिलेटेड था ये स्टोरी, और मेडिकली भी हमने इसको देखा है, तो हमने सोचा कि शायद किसी के ज़िंदगी में ये काम आ जाए तो शायद। तो दूसरी बात है कि जो आदमी कोमा में रहता है वो हम लोग उसके रूम में बैठ के बातचीत करते रहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि वो तो कोमा में वो सुनता नहीं है, लेकिन जो सुनने की क्रिया है वो बहुत हाइटेंड हो जाती है। वो जब आदमी को कोमा सुनता सब है, वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि एक तरह से पैरालाइज। और लास्ट में हम यही कहें कि पिताजी के बारे में तो हमने, जैसे कि इन्होंने कहा कि उसमें हमको ये कहना था कि मैंने जन्नत के फरिश्ते को तो नहीं देखा है, आपकी तस्वीर से फरिश्ते की समझ आई है। तो आज भी हम किसी के भी पेरेंट्स नहीं रहने से, जो कि मेरे साथ भी लागू होता है, एक लगता है कि नीचे का ज़मीन घिसक गया, उनकी याद रो जाती है, आंखें भर जाती हैं। और अगर अल्लाह ताला चाहा तो हम तो यही दुआ करेंगे कि अगले जन्म में और दूसरे जन्म में भी हम उनके यहाँ ही पैदा हों। उनके नाम पर जो पोस्टल डिपार्टमेंट थी उसने एक फर्स्ट डे एनवेलप निकाला था, उसको अपने यहाँ पर मैं आप लोगों में से जो लीजिएगा वो उनसे दे लीजिएगा। और उनके ऊपर डागोमेर रोड से जाके बुधवार में मिलता है मोरे लोग के पीछे से, उसका नामकरण उन्होंने किया डॉक्टर श्रीनिवास पर्वत। ये 2016-17 की बात है। तो सरकार ने यही दो काम उनके लिए किया है, और इंदिरा गांधी छोटे यहाँ पर देखिए। लेकिन ये आज का जो आज की जो कहानी या उतने अतीत में जाकर उन्होंने बात किया, उससे भी इसलिए कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग या सब लोग आप लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन वो शख्सियत यहीं थी, इसी पटना में थी, यहीं रह करके इसी धरती से इतना उन्होंने काम किया, और शायद हम लोग को इस नाते में उनको याद रखना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया अदा करती हूँ। और I invite Saqib sir to speak a few words. Please come. शुक्रिया। और सर ने इतना अच्छा बोला कि उसके बाद तो कुछ बोलने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। और पिछले करीब 2017 से सर से मैं टच में हूँ। सर के जब पहली बार मुझे डॉक्टर श्रीनिवास के बारे में मालूम चला, तो शायद इससे पहले मैंने कभी उनका नाम नहीं सुना था, आप लोगों में की तरह ही मैं भी अनजान था उनसे। लेकिन जब मैंने सुना, मैं दैनिक भास्कर में उस वक्त रिपोर्टर था, अभी तो मैं प्रभात खबर में हूँ, और मैं चौंक सा गया कि एक ऐसी शख्सियत भी धरती पर आई है जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं काम करती थी, डॉक्टर नहीं थी, जिसके लिए सिर्फ ये नहीं था कि हम समाज में अपना नाम कमाएं। वो इंसान औरों के लिए किया, जिसने अपना पूरा जीवन समाज के लिए ही लगा दिया, ऐसे शख्सियत थी। और
आप लोग को जान के आश्चर्य होगा, जिस आज भी कार्डियोलॉजी के जो डॉक्टर होते हैं बड़े ही कम हैं हमारे देश में या बिहार में, और वो इंडिया के पहले कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप इसी से समझिए कि उनकी अहमियत क्या है। इंडिया में कार्डियोलॉजी या हृदय रोग चिकित्सा जिसे कहते हैं, उसकी नींव डालने वाले डॉक्टर श्रीनिवास, और अगर वो IGIC जो आपके यहाँ से पास में है, बगल में है, उसके फाउंडर हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमें से ज़्यादातर यहाँ पे लोग इनसे उस उनके बारे में नहीं जानते थे। ना पटना में कहीं कोई चौक चौराहे पर उनकी मूर्तियाँ मिलेंगी, ना इवन आप अगर बगल में IGIC आप जाते हैं, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, तो वहाँ भी उनकी ना तो कोई मूर्तियाँ मिलेंगी, ना नाम मिलेगा कहीं। तो हम सबके लिए बेहद अफसोस की बात है कि एक ऐसे महानायक को हम लोगों ने भुला दिया अपने, और जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, वो अमेरिका में एक अच्छे लाइफ जी सकते थे, वो दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में रह सकते थे, वो बड़े अस्पताल अपने कॉरपोरेट अस्पताल बना सकते थे, उसके मालिक बन सकते थे अगर वो चाहते तो। उनके लिए बहुत आसान था ये सब चीज़ करना, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पूरा जीवन बिहार के गरीब मरीजों का इलाज करने में लगाया। मैंने उनके जीवन के बारे में जब इतना पढ़ना शुरू किया 2017 से, जानना शुरू किया, बहुत कम जाना गया है, बहुत कम इनके बारे में हम सब जानते हैं। उनके बारे में मुझे लगता है कि कई PhD हो सकती है उनके जीवन पर, कि उनके कई की किताबें लिखी जा सकती हैं, और काफ़ी कुछ उनके बारे में जानना अभी बचा है जिस पर रिसर्च की ज़रूरत है। और जो हम सब यहाँ पर युवा साथी हमारे बहुत सारे बैठे हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग उनके बारे में जाने समझे कि हम सब के बीच एक ऐसी शख्सियत आई जो इस देश को इतना कुछ देखे गई है, सिर्फ वो और वो पटना के रहे हैं। ये पूरा कार्डियोलॉजी आज की दुनिया आज उनकी ऋणी है कि उन्होंने पहली अपने तरह की पहली ECG मशीन ले कर आए। वो आज भी वो मशीन मुझे लगता है शायद पटना में ही है सर, या शायद हाँ। तो ये कितनी बड़ी बात है। डॉक्टर श्रीनिवास के बारे में अब सोचिए ना कि वो शख्सियत आज हम क्यों याद कर रहे हैं। अगर इस बात पे देखा जाए तो दो तीन चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे समाज में हाल का हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ समाज में धर्म के आधार पर नफरत भी खूब देखी जा रही है। समाज में आपसी भाईचारा हमारा जो ताना बाना है वो बिगड़ता जा रहा है। लेकिन डॉक्टर श्रीनिवास की शख्सियत, उनके व्यक्तित्व को इस से आप समझ सकते हैं कि उनके दो बेटे, और एक बेटे का नाम उन्होंने मुस्लिम के नाम पे रखा, एक बेटे का नाम क्रिश्चियन के नाम पे रखा। अभी डॉक्टर साहब का नाम पूरा नाम है तांडव आइंस्टाइन समदर्शी, है ना, और इनके बड़े भाई का नाम है डॉक्टर उस्मान भैरव उस्मान प्रियदर्शी। तो इसमें उस्मान मुस्लिम का और आइंस्टाइन क्रिश्चियन का नाम। वो इंसान अपने घर में से एक बदलाव की शुरुआत कर रहे थे, ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो उर्दू सीखने चाह रहे हैं, उर्दू सीख रहे हैं, और एक लंबी उम्र के मुझे क्या लगता है काफ़ी उम्र में उन्होंने सीखना शुरू किया और काफ़ी अच्छा सीख लेते हैं। तो एक सर्वधर्म संभाव का एक मैसेज वो दे रहे हैं। पूरा जीवन उनको आप देखिए ना कि एक वैज्ञानिक के तौर पर जो ECG के एक नए तरीके से इंसान की पहचान किया, जो उन्होंने खोज की, एक भी एक वैज्ञानिक थे। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे स्कूल की किताबों में उनके बारे में जिक्र नहीं मिलता है, और किसी टेक्स्ट बुक में उनके बारे में जिक्र नहीं मिलता। हमने अपने एक अच्छे वैज्ञानिक को भुला दिया, ये कितने अफसोस की बात है। हम लोग बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, लेकिन हम कुछ लोग भी अगर इस बात को समझें, और आपने जो आज आप लोगों ने ये जानकारियाँ ली है, और आप लोग से जो आसपास जो लोग हैं अपने घर परिवार हैं उनके बीच मैं चाहूँगा कि चर्चा करें, ताकि एक एक करके भी लोग जाने, हम भुलाएं नहीं ऐसी शख्सियत को जिसने अपना पूरा जीवन सिर्फ हम लोगों के लिए हम लगाया है। बस मैं यही बात कहना चाहूँगा, कहने को बहुत कुछ है, जीवन में फिर मौका मिलेगा फिर मैं यह कहूँगा। धन्यवाद आप सबों का। और मौजूद हाजरी 1997-98 का वो साल था, डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया। मैं डॉक्टर साहब को जानता नहीं था, तो मैंने एक दो लोगों से दरियाफ्त किया डॉक्टर श्रीनिवास कौन है, तो मुझे कुछ मालूम हुआ
तो उन्होंने मुझे बुधमाल वाली जो उनकी क्लिनिक थी वहाँ बुलाया मुझे उन्होंने। मैं वहाँ गया, एक आदमी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब से मिलना है, तो बोले उस रूम में चले जाइए। तो उस रूम में जब मैं गया तो एकदम मुस्लिम नक्शे का आदमी, दाढ़ी बड़ी वाइट दाढ़ी और कुर्ता खाकी का कुर्ता पैजामा और आस्तीन पे यहाँ फटा हुआ। तो मैंने समझा डॉक्टर साहब का ये कंपाउंडर हो गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब से मिलना है, बोले क्या नाम किया, मैंने अपना नाम बताया, अहमद इमाम मेरा नाम है। अच्छा बैठिए बैठिए। फिर उनसे काफ़ी देर तक बातचीत हुई, फिर उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया और पाटलिपुत्र में घर सुख हुआ करता था और वहाँ बहुत सारी बातें किताबें दिखाई उन्होंने, इंदिरा गांधी का लेटर की जो बात है वो भी उन्होंने मुझे दिखाया और गांधी जी का भी एक लेटर था वह भी मुझे उन्होंने दिखाया और अपने दो बेटे का जिक्र किया, नाम उन्होंने बताया, लेकिन मुझे नाम जो याद है वो विजय उस्मान के नाम से याद है, विजय उस्मान बताया था उन्होंने। तो हमको विजय उस्मान पता नहीं कैसे याद आएगा। वो पाटिल वाले घर पे मैं गया था आपके, तो वहाँ काफ़ी देर तक बातचीत हुई, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगभग मेरा लगभग एक डेढ़ घंटा वहाँ बीता और मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था वहाँ पे मिल करके। तो ऐसी शख्सियत बड़ी कम होती है, उन्हीं के लिए वो शेर है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन दिदावर पैदा। अल्लाह ताला की एक खूबी है शफा देने वाला, तो जाहिर सी बात है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो शफा देने वाले, तो अल्लाह की खूबी उनके तरफ होती है और वो जो है इंसानियत को पालने वाले, इंसानियत को देखने वाले लोग होते हैं, इसीलिए वो इस दुनिया के लोग कुछ जो है इस दुनिया में उनको भगवान का दर्जा देते हैं। आज श्रीनिवास साहब की बातों को ध्यान कर करके, क्योंकि हम लोग को देखा नहीं उनको, मगर जब मेरे वालिद साहब यहाँ पर उनको जब हार्ट अटैक हुआ था तो हम गए थे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, तो वहाँ रहने के दरमियान में हमको ये मालूम है कि ये इंस्टीट्यूट जो है इदारा श्रीनिवास डॉक्टर श्रीनिवास ने बनाया था, और जब कभी हम वॉरियर लोग के पास एक्टिविटी खाने जाते हैं तो वहाँ भी श्रीनिवास पथ जो है देखते हैं, तो हमको जानने का मौका मिला कि आखिर ये कौन थे। आज जनाब डॉक्टर साहब के जो बेटा हैं उनके ज़रिया जिस मोहब्बत जिस जज्बात से लबरेज कलमात हमने सुने हैं, आंखों से आंसू टपक गया कि ऐसे भी इंसान थे हमारे शहर में, हम उनको हम नहीं जानते हैं, क्या क्या खूबियाँ नहीं थे वो उनके अंदर, ना कोई ज़ात पात का की तफरीक थी ना मजहब की तफरीक, यहाँ तक कि जो है चाहे वो खानका मुजीबिया के पीर साहब हो, चाहे कोई पंडा साहब हो, चाहे कोई ज्योतिषी साहब हो, वो सपोर्ट के लिए ऐसा थे, गरीबों के लिए तो वो शायद जो बात सुनी हमने तो वह भगवान थे। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। आज के डॉक्टर्स का तो हाल इतना बुरा है कि अब वो इस धरती के भगवान नहीं, धरती के शैतान नजर आ रहे हैं। ये मामला हो गया। हम अभी हाल में जो है हमने देखा कि हमने अभी गिरे थे यहाँ पर एक दो महीना पहले, हम चार पांच डॉक्टर्स को दिखलाया जा करके वहाँ पर, और इतनी जल्दी में एक दो मिनट में जो है, खुद मेरे घर में मेरी वाइफ डॉक्टर है, उसके बावजूद में जो है उन लोगों ने कोई तशरीफ नहीं किया, इतनी जल्दी में ये करा लो, MRI करा लो, वो करा लो, कराने के बाद भी कोई नतीजा कुछ नहीं निकला, घर ही से इलाज हुआ, मेरी वाइफ ने इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने खड़े हैं। तो ये होता है जो भगवान का रूप है वो डॉक्टर होते हैं, और श्रीनिवास साहब के चीज़ों को सुन करके ऐसे लगा कि वाकई अल्लाह ताला ने उनको जो खूबियाँ अदा की थी, ऐसे लोग जो है अब कहाँ मिलने वाले हैं, अब तो जो है हम लोग ढूंढ भी नहीं पाएंगे ऐसे लोगों को। आज जो है हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब डॉक्टर साहब के, समादर्शी साहब के, कि उन्होंने उनकी सारी चीज़ें उनके सारे चीज़ों को सामने रखा और हमने जो है उनके बारे में जो जाना, आज जो जज्बात है हमारे अंदर, हम जो है भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसे डॉक्टर हमारे सामने फिर आए और वो दौर फिर वापस आए। डॉक्टर साहब ने जितनी बातें कही उसको मैंने बहुत ध्यान से सुना, और सुना ही नहीं, मैंने दिल में उसको रख भी लिया है। डॉक्टर साहब को न हम जानते हैं इनके, और न आप हमको जानते हैं, लेकिन हमारा प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज से मोर देन 110 ईयर्स के रिलेशन है। हमारे फादर वहाँ बड़ा बाबू भी थे उस समय, जब एकदम यूनिफाइड था, बहुत पावरफुल पोस्ट थी वो, और फिर अकाउंटेंट भी बने।
हमारे भैया का एडमिशन हुआ पटना मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पे आपने अभी लिखा FF फ्री, तो भैया का भी जब हुआ कि पुअर बॉयज फंड में अप्लीकेशन डाल दिया उन्होंने MBBS की पढ़ाई के लिए, तो रेस्पेक्टेड डॉक्टर श्रीनिवास साहब उसके चेयरमैन थे, और चेयरमैन थे जब इंटरव्यू लिया भैया का, क्योंकि ओ तुम कुंवर बाबू के लड़के हो, उनका नाम था JP माथुर लेकिन लिखते थे पॉपुलरली नोन एज कुंवर बाबू, उन्होंने मेरा टेलीफोन बिल में 1 रुपया काट दिया था, तो भैया तो घबरा गए कि तब तो गए अब काम से। शाम को देखा नोटिस बोर्ड में फुल फ्री फॉर एंटायर पीरियड ऑफ MBBS 67 बैच के हैं, और हमारे कजन भी थे डॉक्टर UN शाही के बैच में, उस समय वो माथुर नहीं लिखते थे, गिरीश चंद्र लिखते थे। हम स्टेट बैंक में रीजनल मैनेजर थे नॉर्थ बिहार के, तो हम देखा कि पूरे बिहार झारखंड में एक ही डिस्ट्रिक्ट है शिवहर जहां स्टेट बैंक की ब्रांचेस नहीं है, तो हम एक्सप्लोर किया कि इसमें ब्रांच खोलना चाहिए। ब्रांच खोलने के एवज में 11 प्रीमिसेस की एप्लीकेशन आई, 11 एप्लीकेशन आई, सभी लोग लगे हुए थे, और शिवहर में 3 महीना पानी ही रहता है, मतलब तो बड़ा मुश्किल का रहता है, जाना भी मुश्किल का था, अब तो कुछ सिस्टम बन गया है, उस समय जाना भी बहुत मुश्किल था। तो हमारे एक बॉस भी थे अब फ्रेंड भी थे वाल्टर पास्कल, उन्होंने फ़ोन किया कि डॉक्टर श्रीनिवास साहब का ही वो है रिलेशन में, हम आओ ना देखा तब उसी का सिलेक्शन कर दिया, और आज वो करेंसी चेस्ट ब्रांच के नाम से भी जाना जाता है शिवहर में। मेरा हमारा रिकॉर्ड जानते नहीं हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत दिल से उनका पैर छूते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट चलते थे हम, बहुत छोटे छोटे थे, भैया तो थे कुछ रन करते थे, दौड़ते रहते थे स्पोर्ट्स में, 25 फरवरी शायद उनका फाउंडेशन वगैरह डे होता था TMCH का, तो हम लोग भी जाते थे, बड़ा अच्छा होता था फंक्शन, तो देखते थे डॉक्टर VM सिंह प्रिंसिपल भी अगर बैठे हुए ना तो ये झुकते नहीं थे कभी कि प्रिंसिपल ये है तो हम ऐसे चले, स्ट्रेट ऑलवेज स्ट्रेट चलना, नाइदर टिल्टिंग लेफ्ट नॉर राइट, सेंटर में एकदम रहते थे, और बहुत ग्रेसफुल चलते थे, बहुत ग्रेसफुल। हाँ ये नहीं कि इधर उधर कर रहे हैं कुछ मिल रहे हैं ऐसे करके, एकदम ग्रेसफुल होके बैठते थे, तो वो पर्सनैलिटी हमको आज भी रिफ्लेक्ट करती है स्पोर्ट्स की। मैंने बहुत कुछ सीखा, आपने सबों ने कहा कि बहुत धर्मों का ज्ञानी थे, मैं सैल्यूट करता हूँ, सजदा करता हूँ, और बड़ा कोइंसिडेंस है, देखिए इतने साल के बाद मेरे फादर 71 में रिटायर किए, तो कितना साल हो गया रिटायरमेंट का, क्या हैप्पी कोइंसिडेंस है रिलीजन का, मैं जब स्टेट बैंक में 2011 में रिटायर किया तो मैंने सारे धर्म की पढ़ाई में फर्स्ट डिवीजन से पास किया, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अभी लेटेस्ट जैन धर्म, हिंदू फिलॉसफी, संस्कृत, पोस्ट ग्रेजुएट इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। तो ये आज बड़ा मैचिंग हार्ट टू हार्ट टॉक हो गया डॉक्टर श्रीनिवास वर्सेस NC माथुर का, नहीं ये बहुत है, शत शत नमन करते हैं सर, और मैं सजदे में सर झुकाता हूँ उनके एवज में, उनकी इज्जत के लिए, प्रोफेशन में तो खैर अनपैरलर, मतलब कि बहुत घबराता नहीं था पेशेंट, जाने से घबराहट नहीं होती थी, और डॉक्टर को जैसा कोई कहा कि पहले भगवान था आप शायद, ऐसा बात नहीं है, आज भी डॉक्टर्स की सेवा बहुत अच्छे से हो रही है, और हम लोग उनके सिग्नेचर पर ही जिंदा भी हैं, ऐसी बात है, ऐसा नहीं है कि वो हैं, हम लोग की आदत है खराब, हम लोग ये जब क्या होता है ना कि हॉस्पिटल से कोई ठीक होके निकलता ना है तो पूछिएगा कि चलिए ऊपर वाले की कृपा है, डॉक्टर की कृपा कभी नहीं बोलेगा कि डॉक्टर की कृपा से बच के निकल गए, ऊपर वाले की कृपा है, तो हम लोग को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि डॉक्टर किस ने बहुत सेवा किया है,
बहुत वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं और ऐसे नामी ग्रामी पटना के डॉक्टर हुए, टीएन बनर्जी साहब देखा, भट्टाचार्य साहब होम्योपैथिक का देखा, कि हम तो एक नाम कृपाल सिंह थे खजांची रोड में, छोटा पैजामा पहनते थे और फुल करते थे, पेशेंट को देख के बता देते थे, पेशेंट को देख के ट्रीटमेंट करते थे और बोलते थे कि देखिए बड़ा बाबू पीएमसीएच में है, हजारों डॉक्टर से इनका रिलेशन है लेकिन आते होम्योपैथी कहीं ट्रीटमेंट कराने के लिए, सेमिनरी के सामने में उनका क्लिनिक था। तो ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी चीज है फेथ, विश्वास, कहीं भी हम जाते हैं विश्वास, तभी तो है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग पत्थर पूछते हैं, हम लोग पेड़ पूछते हैं, हम लोग प्रकृति पूछते हैं, हम लोग सब चीज पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, खाली फेथ है, प्रार्थना नहीं है, फेथ हमको है उस पर। आपने सर यूएस से आके इतना शेयर किया है, देखिए अभी किसी ने कहा कि बहुत कम लोग भी थे, ऐसी बात नहीं है, इट इज नॉट द साइज मैटर्स, इट इज द साइज ऑफ द आइडिया मैटर्स, आपका क्या आइडिया दिया आपने, क्या जो बिफिटिंग मतलब कि कैप्शन है, इंस्पायरिंग लाइफ, देखिए उसका मतलब कैप्शन देखिए, ये इंस्पायरिंग लाइफ बहुत स्कार्स कमोडिटी है आज के जमाने में, और हमारे यंग जनरेशन चाहे किसी भी एज का भी किसी भी समय में लर्निंग कर सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारी लर्निंग की यही एज है कि इसी में इंस्पायर हुए या इसी से इंस्पायर से नहीं, अपनी भी मेहनत अपना भी सीखिए कि क्या हुआ है, हमारे पूर्वज ने क्या दिया है, ये बहुत बड़ी चीज है, हमारे पूर्वज ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, तो एज फैक्टर नहीं है, एज फैक्टर नहीं है, समय भी, सर ने कहा कि गाड़ी में भी चलते थे कहीं देखने के लिए तो किताब लिख देते, कुछ लिख देते थे, पोएम लिख देते थे। मैं अभी दिल्ली में बेटे के पास गया था, 5 नवंबर को गया तो देखा कि हमको मेरे जन्मस्थली पीएमसीएच है, मेरी कार्यस्थली भी पटना है, तो हमको तो नेचुरली कि यहाँ पर लोग से जान पहचान भी है, इमोशनली भी अटैच्ड हैं, तो हम सोचा क्या करें, यहाँ तक कोई जान पहचान नहीं है, एकदम मिलना जुलना भी नहीं है। 50 दिन में मैंने घास पर एक किताब लिख दिया, 50 डेज में घास पर, इंडिया में आज तक घास पर कोई किताब नहीं निकली है, कोई किताब, क्योंकि हम लोग घास को समझते हैं घसीलेट, जो कुछ नहीं पड़ता है घसलेट है, घसलेट नहीं है, 70% वेजिटेशन वर्ल्ड का घास पर डिपेंड है, पायोशिया फैमिली पर डिपेंड है। कहने का मतलब है कि हर समय आपको लर्निंग है, हर समय, और डॉक्टर साहब श्रीनिवास साहब तो मतलब कि कितनी उम्र तक सीखते ही रहे, कभी उन्होंने ये कहा कि हम किसी को सोसाइटी को मतलब कि हम पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं, हम सोसाइटी से सीख रहे हैं, पेशेंट से सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू सर, आई एम एवर ग्रेटफुल एंड आई एम योर्स सिंसियरली, थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहब के लड़के समर सिंह साहब ने जो बताया बहुत ही मार्मिक प्रसंग उन्होंने सुनाया, हम काफी इमोशनल हो गए कि इस तरह के शख्सियत के पर्सनल लाइफ के बारे में और उनका बहुत सारा जो ऐसे पहलू थे जो पब्लिकली नहीं जानते थे हम लोग, उस चीज़ को हमने जाना आज, और वो एक इंस्टीट्यूशन थे, और डॉक्टर्स तो हम पैदा कर ही रहे हैं, लेकिन अब जो है एक और चीज़ जो हम लोग को ध्यान रखना होगा, वैसे डॉक्टर पैदा करना होगा जो कि ह्यूमनिटी के टुवार्ड्स सेंसिटिवनेस जिसमें हो, सेंसिटिवनेस टुवार्ड्स ह्यूमनिटी, मानवता के प्रति जिसका संवेदनशील रवैया रहेगा उसी को आप डॉक्टर्स में एडमिशन के लिए भी एक उसका भी इंटरव्यू उस पर होना चाहिए, क्योंकि ये जो है सेकेंड गॉड हम लोग मानते हैं, तो डॉक्टर्स के सामने जाने पर मेंटली फिजिकली इमोशनली इकोनॉमिकली सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, तो डॉक्टर्स जो है हमारा जान का रक्षक भी है, और जान अपनी कमियों के वजह से या अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड के वजह से हो सकता है कि हमारा ये चला जाए, जान भी चला जाए, बच भी जाता है, दोनों बातें हैं। डॉक्टर साहब के साथ साथ और भी पटना में बहुत सारे और भी कुछ डॉक्टर थे जिसमें डॉक्टर शिव नारायण, डॉक्टर पी गुप्ता 5 रुपया फीस लेते थे वो, और वो भी 5 रुपया वो कंपाउंडर साहब के पास चला जाता था, तो ऐसे डॉक्टर पटना में रहे हैं जो टुवार्ड्स कम्युनिटी के लिए काम किया है,
और डॉक्टर श्रीनिवास ने तो लैंग्वेज लिटरेचर साहित्य और रिलीजन्स पे एक होता है ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञान, तो वो बियॉन्ड द साइंस चले गए थे। तो जो व्यक्ति बियॉन्ड द साइंस चला जाएगा वो उसके अंदर गॉड पार्टिकल आ जाता है। अरे वो गॉड पार्टिकल आ जाता है तो सब में वो अपना ही स्वरूप देखने लगता है, और जिस दिन हम अपने स्वरूप को दूसरे के अंदर देखने लगेंगे उस दिन है जो सब, तो उस दिन हमारा समाज में सोशल रिफॉर्म भी हो जाएगा और बहुत सारी समस्याओं का निदान भी हो जाएगा। हम अपने आप को इंडिविजुअल समझते हैं, जब भी आप पब्लिक प्रोफेशन में जाते हैं आप अपने आप को दूसरे से कनेक्ट करें, उस पर अपने अस्क देखें, अपनी छाया देखें और उसके मजबूरी को उसके दर्द को का कुछ परसेंटेज आप महसूस करेंगे, देखिएगा आपके अंदर भी कुछ चेंजेस धीरे धीरे आने लगेगा। सिर्फ हम उनसे सीखें और अपने लेवल पे, अगर हम डॉक्टर नहीं हैं और बन भी नहीं सकते हैं, प्रोफेशन मेरा अलग है, तो कोई कहीं पे बीमार है तो उसको सही डॉक्टर के पास पहुँचा देना या उसका नाम रेफर कर देना, ये भी एक बहुत बड़ी सोशल सर्विस है कि वही वो सही डॉक्टर हमके पास आ जाइए, आपका इलाज होगा, पैसे भी कम खर्च होंगे और सही सही उसका ट्रीटमेंट होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, सोशल सर्विस और इंसानियत की सेवा से पढ़ के कोई सेवा नहीं हो सकती है, सभी पोस्ट पद सब उससे नीचे है। इतना ही कहने के साथ धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद अजहरुल हक, पटेल यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई किया है लॉ और पीएचडी, मेरा घर अररिया डिस्ट्रिक्ट हो। डॉक्टर श्रीनिवास के आज जो हम लोग 25-30 आदमी खुदाबक्श लाइब्रेरी में उपस्थित है, आज हम लोगों को ये मैसेज पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में ये मैसेज जाना चाहिए कि डॉक्टर श्रीनिवास कितने अच्छे आदमी थे उस पीरियड में। जैसे उसके लड़का ने बताया कि वो कितने भोले भाले थे, कितने साहित्यकार, और उर्दू 1976 में जानना सीखे, उर्दू लैंग्वेज से उसको कितना प्यार था, हिंदी लैंग्वेज से कितना प्यार था। आज लोग उर्दू को फारसी को पीछे कर रहे हैं, ये जवान इतना मीठी जवान है कि लोग नहीं सीखते हैं बचपन में, आगे बुढ़ापे में भी इसको याद करते हैं कि उर्दू कैसा है। आज हम लोग उर्दू और फारसी को याद नहीं रखेंगे तो गालिब इकबाल फिरदौसी उमर खयाम को कौन याद रखेगा, उसका शेर को कौन पढ़ेगा। इसीलिए डॉक्टर श्रीनिवास से सबक लेना चाहिए कि हम लोग भी अगर कोई उर्दू और फारसी नहीं जानते हैं तो 75 और 76 के मतलब उम्र ये इसमें पीरियड में वो सीखे थे, तो हम लोग भी 50-25-30 के पीरियड में हम लोग भी उर्दू फारसी को जानें। ये बहुत मीठी जवान है। और डॉक्टर श्रीनिवास के बारे में ये बात मैसेज जाना चाहिएगा कि सरकार उसके नाम से बिहार के कोई भी जिला में उसके नाम से कोई हॉस्पिटल खोले, कोई सड़क बनाए और कोई स्टेडियम बनाए, कोई पार्क बनाए कि जो पूरे बिहार के 3700 जिला में डॉक्टर श्रीनिवास के नाम से लोग जाने और उससे नसीहत ले। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। मैं साइस्ता मैडम को और साकिब को और उसके लड़के को मैं और यहां के जो पूरे खुदाबख्श लाइब्रेरी में जो लोग आए, जो स्टूडेंट आए, सबको मैं सलाम करता हूँ और डॉक्टर श्रीनिवास को मैं सलाम करता हूँ कि उस तरह से हम लोग भी नसीहत दें। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली आई एम रियली ग्रेटफुल टू डॉक्टर तांडव समदर जी हु हैज स्पेयर्ड हिज प्रेशियस टाइम फॉर अस। और इतनी अहम बातें हमें डॉक्टर श्रीनिवास के बारे में सुनने के लिए मिली, यूं लगता है जैसे उनसे मुलाकात हो गई हो। हम लोग बिल्कुल मुग्ध होकर उनके बारे में सुन रहे थे और यहाँ बैठे जितने हमारे साथी हैं वो भी इस तरह से उनके दिलों में ये बातें उतरती चली जा रही थी। आई एम श्योर क्योंकि वो सारी क्वालिटीज हम सब अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे, वो इंसानियत की जो एक मिसाल रहे, हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि हम लोग उसको अपने अंदर भी इम्बाइब करने की कोशिश करें वो सारी क्वालिटीज। मुझे लगता है कि अगर हम कहें कि वो इंसान के रूप में फरिश्ता थे और जैसे कि कहा जाए कि अगर खुदा खुद जमीन पे उनकी शक्ल में उतर आया हो तो भी कोई गलत ना होगा। जो खुदाई क्वालिटीज होती हैं, जो ईश्वर की क्वालिटीज होती हैं, वस्फ होते हैं, वो अगर इंसान के अंदर डेवलप करते चले जाएं तो आप सोचिए कहाँ तक इंसान पहुँच सकता है। यानी काइंडनेस, मर्सी,
कंपैशन, मोहब्बत, प्रेम और दूसरे का दर्द का एहसास करना, ये वो क्वालिटीज हैं जो आदमी को इंसान बनाती हैं और इंसान आगे बढ़ के क्या कुछ बन सकता है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और ये क्वालिटीज बोन बोन बराबर हर आदमी में होती हैं जो उसको इंसानियत की तरफ लेके जाती हैं। डॉक्टर जो है मसीहा की तरह माना जाता है और वो यकीनन मसीहा की तरह ही थे, रियल मसीहा जो लोगों के काम आते रहे, उनकी खिदमत करते रहे। ही इज अ रियल आइकॉनिक पर्सनालिटी टुडे फॉर द पीपल ऑफ पटना, फॉर द पीपल ऑफ बिहार एंड ऑफ कोर्स फॉर इंडिया। वी आर प्राउड टू से दैट ही वाज फ्रॉम अमंग अस। डॉक्टर संदर्शी उनके बेटे हैं, उनको जैसा महसूस हो रहा है जैसा वो गर्व महसूस कर सकते हैं उनकी औलाद होके, हम लोग भी उनके साथ इस खुशी में शरीक हैं कि हम ये महसूस कर रहे हैं कि डॉक्टर श्रीनिवास वॉज फ्रॉम दिस प्लेस और यहाँ उन्होंने क्या कुछ किया है, क्या कुछ इस अपने प्रोफेशन में दिया, योगदान रहा उनका, वो आज कुछ मुझे बताने की कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सच है कि उनके नाम से कुछ और भी इंस्टीट्यूशंस खुले, कुछ और भी जगह बने जिससे और अच्छा लगेगा। नेचुरली ऐसे लोगों को याद करते रहना भी एक तरह से इंस्पिरेशन मिलता है और सवाब का काम भी होता ही है। सवाब तो छोड़िए लेकिन इंस्पिरेशन जरूर मिलता रहता है और ऐसी बातों को दोहराना भी बहुत जरूरी है कि उन्होंने क्या कुछ किया और कैसी शख्सियत थे वो, कैसे इंसान थे। मुझे तो यूं लगता है कि कहना चाहिए जो हम लोगों का एक खास थीम है इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग और कंपोजिट कल्चर और हार्मोनियस सोसाइटी को प्रमोट करना, हाई मॉरल वैल्यूज को इनकल्केट करना, ये सारी खूबियां इस एक शख्सियत में पिन्हा थी जिसका नाम था डॉक्टर श्रीनिवास। और आई लगे से एन एंजल इन द फॉर्म ऑफ मैन। बस मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया करती हूँ और तहे दिल से बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर संदर्शी की कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी बातें बताई डॉक्टर श्रीनिवास के बारे में। और ये रिसेंट बुक्स हैं जो डॉक्टर साहब के बारे में हमें डॉक्टर संदर्शी ने लाइब्रेरी को ये किताबें गिफ्ट करी हैं, ये आप देख सकते हैं ये किताबें हैं। एक है सहज योगी हैं, उन्होंने ये कंपाइल किया है डॉक्टर श्रीनिवास। दूसरी किताब है विज्ञान से परे सत्य की खोज डॉक्टर श्रीनिवास, ये भी कलेक्टेड वर्क्स हैं, एडिटेड वर्क है। ये किताबें हमारी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, आप में से जो इनको देखना चाहें पढ़ना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम। एंड विद दीज वर्ड्स आई से थैंक्स वंस अगेन, थैंक यू यू ऑल, जय हिंद।